तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई, जब सब लौटा तो तेरी याद आई। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई, जब सब लौटा तो तेरी याद आई। अक्सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, सच जो तेरा रिश्ता न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। किस्मत की मौजों ने किस्ती डुबोई, जब सब लौटा तो तेरी याद आई। किस्मत की मौजों ने किस्ती डुबोई, जब सब लौटा तो तेरी याद आई। अगर मेरी किस्ती को किनारा न मिलता, अगर मेरी किस्ती को किनारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। बोलो सतगुरु देव की जय। और आए अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूं, देखो साउंड वाला भाई, मैं निवेदन करता हूं 10 मिनट समय के साथ परम आदरणीय महान श्री रेखदास साहेब जी देवरी उधर ले जाओ। आप आज के इस मंगलमय बेला में अपना गंभीर विचार हम सबके बीच रखने की कृपा करेंगे। हेलो, आवाज आवाज दस। सभी लोगों से ध्यान चाहूंगा, एक बार सब लोग जोरदार ताली बजा दें। साहेब बंदगी साहेब, परम आदरणीय वंदनी अर्चनीय संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहेब, आज के इस सभा में विराजमान समस्त मुद मंगल में संत समाज, नीर क्षीर विवेकी भक्त हंसजनों
भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माताओं एवं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोग अवगत हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु और पूर्णिमा दोनों एक साथ है और संत गुरुजन हम सबको यहीं से निर्देश करते हैं कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम गुरुजनों का याद करें, जिन गुरु ने हमें ज्ञान देकर एक महान व्यक्ति बनाने का प्रयास किया है। यही बात सदगुरु कबीर साहब के एक साखी मुझे याद आ रही है। यह तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दे सदगुरु मिले तो भी सस्ता चाह। सदगुरु कबीर साहब गुरुओं में ऐसे महागुरु थे जिन्होंने हर बात को तौलकर बोला है और चलने के लिए भी कहा है। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए दुनिया में जिनकी बात आज भी प्रासंगिक है। आप सदगुरु कबीर साहब के बीजक पढ़ लो सारी दुनिया में, आप किसी मत मजहब में जाएंगे तो आप वहां जाकर बोल सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के पास आप हार कर नहीं आएंगे, जीत कर आएंगे। आप जज के पास जज को भी हिला सकते हो, वकालत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बीजक पढ़ लो तो वकील भी बन जाओगे। इतना मर्मज्ञ बात सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में ये बात सबके लिए लिख दिया। अब हम लोग पढ़ते नहीं है, टूटी यहां पर है, गुरु बता दिया है, लेकिन हम लोग करेंगे तब ना। कोई गुरु कहता है यहां से राजनांदगांव जाओ, ये रोड जी रोड गया है, आप राजनांदगांव नहीं जा करके और दुर्ग के रोड जी रोड से जाना है, तब दुर्ग के ओर जाओगे तो राजनांदगांव पहुंच नहीं सकते। ये बात साहब कहते हैं, यह तन विस्की बेलरी, ये शरीर विषय का बेलरी है। ये शरीर पांच तत्व से बना है, 25 प्रकृति है, 3 गुण है, 10 इंद्रियां है, सब मिलकर ये शरीर बना है, लेकिन सारे इंद्रियां और विषय भोग की लालसा करता है। सदगुरु कबीर साहब इस पर बड़े भाव के साथ निर्देश करते हैं कि यह तन विस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलरी है लेकिन गुरु क्या है, गुरु अमृत की खान है, खदान है। और ऐसे गुरु को पाकर के हम लोग और भटके तब इससे दुर्भाग्य और कौन बात की होगी। देखता हूं मैं कबीरपंथी चौकट कराते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन सबके घर में नरियर बंधा हुआ है, ये जादू मंत्र टोनही टोटका, फिर किस बात के कबीर साहब, कैसे कबीर पंथी भाई। अब एक समस्या आ गया है, एक लोटा जल सब समस्या के हल। और मैं एक गांव में चौका करने गया था तो एक घर में बैठने के लिए गया जिनके यहाँ बेल का पेड़ था, तो उसने कहा साहब आज इतना ये है कि देखो ये बेल के पेड़ ठुठुआ हो गया है। इतना पूरे गांव के लोग और सब कबीर पंथी है, गांव के बहुत दूर की बात नहीं, पास के हैं, लेकिन सबके वही एक लोगों ने भटक गया है कि एक लोटा जल सब समस्या का हल, ऐसा कभी हो नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता, ना हुआ है ना होगा भी। ये बात सदगुरु कबीर साहब तौलकर के बात करते हैं। कबीर साहब और बहुत दुनिया में गुरु भटक रहे हैं पैसा कमाने के लिए और लोगों को खुद भटके हैं और भटकाते हैं। ऐसे गुरु से 5 किलोमीटर दूर रहे ज्यादा अच्छा है। सदगुरु कबीर साहब एक लाइन पर कह देता है,
गुरु बनाओ जान के। सब लोगों को याद है, बड़े जोरदार बोल दो, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। इतना काम कर लें तो ये सारी बात, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सदगुरु मैं कह रहा था कि यह तन बिस्की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दे सदगुरु मिले तो भी सस्ता, जान सिर को भी झुका करके और गुरु मिल जाए, देकर गुरु मिल जाए तो भी सस्ता सौदा समझ लो और तुरंत खरीद लो। आज आप या आप लोग जा रहे हो मार्केट में, 100 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है, कहीं कर 50 रुपया किलो बिक रहा है, तो 5 किलो तुरंत खरीद लो। ये दिमाग का काम है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि सच्चे गुरु मिलता है तो और देरी करने की जरूरत नहीं है। ये गुरु पूर्णिमा मनाने का और गुरु को याद करने का ये मतलब होगा। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग और यहाँ पर आकर के संतों के वाणी विचार सुनने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी पर विराम करता हूँ। 2 लाइन आप सब लोग थोड़ा 2 लाइन भजन गा ले, एक सदगुरु कबीर साहब के संबंधित में 2 लाइन सभी लोग गाएं। मैं पहले गाऊं, आप लोग दोहराएंगे, स्वर दे दो चलेगा, 2 में। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हार न होते आवरण, त्वचान बाजन बाज। गुरु दे मेरी नैया, भव पार लगा देना। गुरु दे मेरी नैया, भव पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया, भव पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया, भव पार लगा देना। मैं जन्म का भूला हूँ, मैं जन्म का तब शरण में आया हूँ, तब शरण में आया हूँ। उधार करो गुरुवर, अब तेरा सहारा है। गुरुदेव मेरी नैया, भव पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया, भव पार लगा देना। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। एक बार जय ठीक से नहीं हो रहा है मेरे जानकारी में, एक बार थोड़ा जोर से जयकारा लगा दो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सभी संत गुरु जनों की जय, भक्त परिवार की जय, साहेब बंदगी साहेब। और हमारे बीच में उपस्थित है नंदनी बहन सुंदरा से हैं। मैं एक भजन के लिए निवेदन करता हूं आपसे कि आप आए और एक भजन रखें, तब पश्चात हम विचारों की ओर चलेंगे। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा,
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अर्पण हमारी वंदना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अर्पण हमारी वंदना हम शिष्यों की यही विनती है हम शिष्यों की यही विनती है स्वीकार हो गुरु वंदना स्वीकार हो गुरु वंदना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अर्पण हमारी वंदना तुम दीप वो खुद जल के जो तुम दीप वो खुद जल के जो दिया दुनिया को वो प्रकाश हो दिया दुनिया को वो प्रकाश हो तुम त्याग के प्रतिरूप हो गुरु सबसे तुम ही महान हो तुम त्याग के प्रतिरूप हो गुरु सबसे तुम ही महान हो अज्ञानता जो मिटाते हो अज्ञानता जो मिटाते हो तुम ज्ञान के भंडार हो तुम ज्ञान के भंडार हो तुम विवेक के आधार हो संसार के तुम सार हो तुम विवेक के आधार हो संसार के तुम सार हो हम शिष्यों की यही विनती है हम शिष्यों की यही विनती है स्वीकार हो गुरु वंदना स्वीकार हो गुरु वंदना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अर्पण हमारी वंदना प्रभु से मिलन का गढ़े राह जो प्रभु से मिलन का गढ़े राह जो गुरु मुक्ति का तुम मार्ग हो गुरु मुक्ति का तुम मार्ग हो गुरु प्रभु से पहले तुम्हें नमन गुरु शिष्य के तुम हो नयन गुरु प्रभु से पहले तुम्हें नमन गुरु शिष्य के तुम हो नयन हम भक्तों की यही विनती है स्वीकार हो गुरु वंदना स्वीकार हो गुरु वंदना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अर्पण हमारी वंदना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अर्पण हमारी वंदना ज्ञान जो दिया अनमोल है ज्ञान जो दिया अनमोल है उसका मोल हम न चुका सके उसका मोल हम न चुका सके श्रद्धा से है तुमको नमन हमें मिले सदा आशीर्वचन श्रद्धा से है तुमको नमन हमें मिले सदा आशीर्वचन हम शिष्यों की यही विनती है स्वीकार हो गुरु वंदना स्वीकार हो गुरु वंदना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अर्पण हमारी वंदना अर्पण हमारी वंदना अर्पण हमारी वंदना साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब बहुत बहुत शुभकामनाएं नंदिनी बहन के लिए इतना बढ़िया हृदय से निकला हुआ आवाज और हृदय के अंतर गहराई तक जाने वाला ऐसा सुंदर भजन हम सब ने हमारे बहन नंदिनी से हाँ सुना और बहुत सुंदर भजन
और आप सब ने तालियों से जो स्वागत अभिनंदन किया उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आए इस कड़ी को और आगे बढ़ाएं। जैसे कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं समय के लिए और अब दोबारा बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं और हम सब सानिध्यता पाना चाहते हैं परम आदरणीय महंत श्री आर डी साहू जी, सेवानिवृत्त आप शिक्षक रहे हैं। 10 मिनट समय के साथ आपसे गुजारिश है कि आप अपना वक्तव्य हम सबके बीच रखने की कृपा करेंगे। साहेबंदगी मंचासीन मेरे गुरुजनों, संतों महंतों, पधारे हुए भाइयों तथा माताओं, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में गुरु का वंदना किया जाता है। गुरु सबसे बड़ा माना गया है। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश भी है और गुरु साक्षात पार ब्रह्म उससे भी बड़ा, जिसको अनुराग सागर में निरंजन कह देते हैं, या उससे भी बड़ा सत्पुरुष भी है। तो ये हम उस मतलब कहने का मतलब ये सबसे बड़ा गुरु जी हैं हमारे। राम कृष्ण से को नहीं बड़ा, वह तो भी गुरु किन, तीन लोक के वेदहिनी गुरु आगे अधीन। संसार में राम और कृष्ण को मानते हैं हिंदू धर्म में, उससे बड़ा तो कोई नहीं है, मगर वह भी तो गुरु किन्न कह रहे हैं। जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दहो दुझधाय, जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दहो दुझधाय। या हाँ, आंख न सूझे बावरा, घर जरे घूर पुता। जिसको सतगुरु नहीं मिला है, सही सतगुरु नहीं मिला, वो बावरा के समान, बावरा मने होता है पगला, बैहा, तो बैहा के समान, पगला के समान चारों दसों दिशा, दस दिशा माना गया है। चार दिशा तो जानते हैं, उत्तर दक्षिण दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान नैऋत्य वायव्य आग्नेय, आठ दिशा हुआ, और ऊपर और नीचे आकाश और धरती, इस दस दिशा होता है, ऐसे दस दिशा माने गए हैं। चार दिशा तो सभी जानते हैं, आठ दिशा को भी जानना चाहिए और दस दिशा को भी जानना चाहिए। इसी प्रकार दस दिशा में घूम रहे हैं सब बावरे के रूप में, पागल के रूप में, मगर जिसको सतगुरु नहीं मिला, घर में जरा घर जरा हुआ है, घर में आग लगा हुआ है और घूर को बुझा रहा है, कहाँ आग बुझेगा। यहाँ बिल्डिंग में लगा हुआ है आग और वहाँ घूर है, वहाँ बुझाओगे सुंदरा के घूर में, तो कहाँ से घर में घर का आग बुझेगा। गुरु की तो उपासना, गुरु के बारे में मैं एक रामचरितमानस में भी ले चलता हूँ आपको। बंदव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, इतना मैं बताता हूँ। बंदव गुरु पद कंज, मैं गुरु की वंदना करता हूँ, गुरु की चरण की वंदना करता हूँ जो हरि रूप में वर्तमान में विराजमान है। हरि रूप में आप विराजमान हैं वर्तमान में, मैं उस गुरु की वंदना करता हूँ। बंदव गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा, रामायण की चौपाई है उत्तरकांड में, ए बालकांड में। तो मैं सुरुचि और सुभाष और सरस और अनुराग, ये है गुरु के चरणों की वंदना करने से। एक समय की बात है, कहाँ के बताएं हम उत्तरकांड, हाँ बता देते हैं उत्तरकांड की बता देते हैं थोड़ा से उदाहरण। काकभूषण जी भगवान शंकर की उपासना कर रहे थे, ध्यान में लगे थे, उधर से गुरु जी आ गए उनका, तो क्या हुआ, गुरु वो नहीं उठे, क्योंकि मैं
मैं तो भगवान की वंदना कर रहा हूँ, गुरु भगवान से थोड़ी बड़ा है, ऐसे सोच कर, मन में सोच कर उसने नहीं उठा, अपने जगह से उठकर प्रणाम नहीं किया गुरु की। आकाशवाणी होता है, शंकर भगवान आकाशवाणी से बोलते हैं, अरे मूर्ख बोले, तुम जिस गुरु की तुम निरादर कर रहे हो वो तो मेरे से भी बड़ा है, जा तू अजगर के समान बैठा था, जा हजार वर्ष तक तू अजगर बन जा। तो अपने जीवन कथा में काकभूषण जी बताते हैं कि मैं 1000 साल तक अजगर था, ऐसे रामचरितमानस में लिखा है। अब क्या सच है क्या गप है मैं नहीं जानता, वो है उसको बता रहा हूं। बड़ा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़ा है कोड़, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोर। गुरु कैसा है, कुम्हार के समान है। सदगुरु कबीर साहब बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं, जो जाने पहचाने सब लोग जो जानते हैं उसका उदाहरण लेते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है, घड़ा और अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो जब जब घड़ा बनाता है तो एक हाथ अंदर रखता है, पहले बना के रख देता है, थोड़ा सा सुखाता है एक दो घंटा सूखने के बाद एक हाथ में ये लकड़ी लेता है और दूसरा हाथ को अंदर में रखता है, तो ताकि वो दब ना जाए, फूट ना जाए। अगर अंदर हाथ ना रखे और बाहर चोट ही मारते रहे तो बर्तन टूट जाएगा, घड़ा नहीं बनेगा। तो इसलिए गुरु जो डांटता भी है तो हमारे हित के लिए डांटते हैं, गुरु कहते हैं अपने हित के लिए कहते हैं, तो गुरु सबसे बड़ा है। तो गुरु क्या बतलाता है, हीरा परा बाजार में छार रहा लपटा, कतनों ही मूरख पची मरा पारख लियो उठाए। गुरु हीरा को बतलाता है, हीरा हीरा तुम्हारे हृदय में विराजमान है, जो शरीर है वह हीरा नहीं है। शरीर तो बस है, बस में ड्राइवर अलग रहता है, बस अलग रहता है, ड्राइवर अलग रहता है। उसी प्रकार शरीर अलग है और शरीर का संचालक ड्राइवर अलग है, वो ड्राइवर को बता रहा हूं मैं, आत्मा को। तो वो हीरा है, वो हीरा को हम पहचान नहीं पाते जब तक सदगुरु नहीं मिला। तो जब सदगुरु मिल जाता है तो हीरा को पहचान जाते हैं, सदगुरु नहीं मिला तो कतनो मूरख पची मरे, हजार पुस्तक ग्रंथ पढ़ गए, पच पच के मर गए, कई जन्म लिए मगर उसको पार नहीं पा पाए, पची मरे मने नष्ट हो गए और मगर हीरा को नहीं पाए। तो जब सदगुरु को सदगुरु मिल गया तो हीरा को मिल गया, हीरा मने अपने आत्मा को, अपने आप को आप पहचान गए कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है। कभी ये नहीं कहते मैं हाथ, कभी नहीं कहते मेरा हाथ, कहते हैं मैं अलग हूं। मैं आंख कभी नहीं कहते मेरा आंख बोलते हैं, आंख अलग है। मेरा शरीर, मैं शरीर कभी नहीं कहते, मैं शरीर ऐसे कभी नहीं कहते, मेरा शरीर बोलते हैं, मैं अलग हूं और शरीर अलग है। तो इसको पहचानना है। इतना कहकर मैं अपने वाणी विराम देता हूं। साहेब बंदगी बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार हम साहेब जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। देखिए अभी हमको उस पर चिंतन नहीं करना है, अभी सिर्फ सुनना है और सुने उसके बाद उसका रिविजन बाद में करें जाकर के कि हमने वहां जब गए थे तब क्या सुना और तब एक एक बात समझ में आती है। तो बहुत सुंदर विचार हम सब श्रवण कर रहे थे और अब मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच श्रद्धे वो लिस्ट ही ले गए तो हमारे परम श्रद्धे संत श्री वो सुर्गी वाले साहेब जी हैं, हाँ अविचल साहेब जी हैं,
भाई 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 साउंड नहीं, आप सेट कर कोने में साहब जी के पास। आपका आशीर्वाद के हम सब आकांक्षी हैं। परम श्रद्धेय साहेब जी के श्री चरणों में त्रैवार बंदगी के साथ निवेदन है कि आप हम सबको आप्लावित करने की कृपा करेंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। थोड़ा आवाज बढ़ा कर। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज की आनंद की जय। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत महात्मा आए हुए हैं और सब अपने अपने गुरु के महत्व बता रहे हैं। असलियत में गु और रू, गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। तो अंधकार को छोड़ा करके प्रकाश में लाने वाला ही हमारा सतगुरु है। थोड़ा एक ख्याल आ गया, आदमी कल्पना के ओर अंधकार की ओर जल्दी भागते हैं। अभी एक टीवी में देता है बेल पत्ता, इसका विधान बता रहा हूँ। बेल पत्ता के महत्व बता रहे हैं और पानी भी तो रहे हैं कि वो शिवलिंग में। इतना आदमी उमड़ गया है, समझ से बाहर है, अंधकार की ओर जा रहे हैं। कतको संत महात्मा ज्ञान की छड़ी लगा रहे हैं, ज्ञान की झड़ी लगा रहे, लेकिन समझ नहीं बैठता उन लोगों का क्या कहें। कल्पना में आदमी जल्दी भग जाते हैं और यथार्थ वाणी में आदमी टिक नहीं पाता है। तो एक बात है, हमारे कुटिया में एक बेल पत्ता है, बेल का रूख है, इतनी मोटी है। सब मुड़ मुड़ करके ले गए पत्ता, मैं कुछ नहीं बोला, समझे ना, जे आए सब मुड़ मुड़ करके ले गए। पत्ता उल्होन नहीं पाए, पूरा वो तरी धार बैठत रहे, समझे ना। तो फिर आया एक आदमी ने, मैं कह इसने में तो सत्यानाश हो जाइए है, नहीं बाँचे। तो मैं कहूँ भाई पत्ता तो मैं नहीं दूंगा, इतना मैं मेहनत करके लगाया हूँ और सारी तोड़ तोड़ करके नाश कर दे, वो बाढ़ा तो नहीं हुआ है, तो मैं एक पत्ता तोड़ने नहीं दूंगा। उस दिन से हमारे से बात करना बंद हो गया और क्या कहें उनका बुद्धि बता दिए। तो ऐसे आदमी हैं अंधकार की ओर जा रहे हैं। कितना संत महात्मा दुबेर हमारे आश्रम में कार्यक्रम हो रहा है, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं, ज्ञान की झड़ी लगा रहे, फिर भी अंधकार की ओर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अंधकार की ओर से बचो। तुम कितनों भी पानी जीतोगे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। मैं चलन से बात कहता हूँ, चाहे 10 घड़ा पानी भी तो दो एक दिन में, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण जब होगा हमारे दुर्गुण को, जब हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारे कैसे कल्याण होगा। आज आदमी शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अनेक प्रकार का दुर्गुण कर रहे हैं और पानी भी तोने से क्या हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। हमारे संतगुरु लोग प्रकाश मिलाने के लिए सब आए हैं कि अंधकार से बचो और प्रकाश की ओर आओ। ऐसे संत महात्मा भी बता रहे हैं। तो मेरा भी समय पूरा हो गया, मैं इसी का विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की। बोलिए सतगुरु देव की जय। और अभी आप लोग बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे, मैं तो नहीं सुन पाया। परम श्रद्धे अविचल साहेब जी को और अब निवेदन करता हूँ। परम श्रद्धे
महंत साहब जी अनंत राम जी हैं, अनंत राम है, अंत राम कहाँ होगा भाई, अनंत राम होगा वो, मैं अनंत ही बोलता हूँ। आपसे निवेदन है कि आप भी 5 मिनट समय के साथ संगीत में, अच्छा आपका डिमांड इधर है संगीत में कि आप आए और एक भजन हम सबके बीच रखने की कृपा करेंगे। जोरदार ताली से अभिनंदन स्वागत कीजिएगा साहेब जी का। साहेब बंदगी साहेब, बोलवाओ ना हमारे भजन बिना सुन धरे नहीं गवाओ, तब लग सुन धरे तो भजन तब तक बोलवाए का जा ले ले, ये माइक थोड़ा सेट कर का, माइक सेट कर। हेलो, साहेब बंदगी, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ जी कबीर नाम सबसे बड़ा, सबसे बड़ा विचार, जथा नाम गुण है तथा जाने जाननहार। आनंद है इस अवसर पर सब अपने अपने घट का पट खोलो, एक बार सब मिल कर के सदगुरु कबीर की जय बोलो। सतनाम सुमर ले प्राणी रे तोर दू दिन के जिंदगानी रे, हरि नाम सुमर ले, सतनाम सुमर ले प्राणी रे तोर दू दिन के जिंदगानी रे, हरि नाम सुमर ले। चार च दिन के जिंदगी गावे, चार च दिन के हो, चार च दिन के जिंदगी गावे, फिर माटी मिल जानी रे प्रभु नाम सुमर ले। सतनाम सुमर ले प्राणी रे तोर दू दिन के जिंदगानी रे, हरि नाम सुमर ले। सतनाम सुमर ले प्राणी रे तोर दू दिन के जिंदगानी रे, हरि नाम सुमर ले। चार च दिन के जिंदगी में भैया काबर मोह करे ते, काबर मोह करे संगवारी, काबर मोह करे ते, काबर मोह करे संगवारी, काबर मोह करे ते, मोर मोर कहके गा भैया जोर के पूंजी धरे ते, जोर के पूंजी धरे संगवारी,
जोड़ के पूंजी धरे ते। शायर ने कह दिया, भाई मेरे चाहे तो लाख कमा ले हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। चार दिन के जिंदगी में भैया काबर मोह करे ते, काबर मोह करे संगवारी, काबर मोह करे ते, काबर मोह करे संगवारी, काबर मोह करे ते। मोर मोर कह के गा भैया जोर के पूंजी धरे ते, जोर के पूंजी धरे संगवारी, जोर के पूंजी धरे ते। छुट जागी तोर काया माया हो, छुट जागी तोर काया माया, छुट जागी तोर काया माया, गुड़ मर बे बिन पानी रे, प्रभु नाम सुमर ले, सतनाम सुमर ले प्राणी रे, तोर दू दिन के जिंदगानी रे, हरि नाम सुमर ले, सतनाम सुमर ले प्राणी रे, तोर दू दिन के जिंदगानी रे, हरि नाम सुमर ले। पहले किस्म का जो धन है आप लाख चाहो, मरने के बाद जाएगा नहीं, सब यही छोड़ जाएगा। लेकिन कुछ धन ऐसा है जो जाता है साथ में, संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया। कौन सा धन है जो साथ में जाता है? दान पुण्य और शुभ कर्म हा, जाही तोरे संग मा, जाही तोरे संग मग भैया, जाही तोरे संग मा, जाही तोरे संग मग भैया, जाही तोरे संग मा। कबीर नाम के गांठ बांध ले, बसाल ते यंग यंग मा, बसाल ते यंग यंग मा भैया, बसाल ते यंग यंग मा, बसाल ते यंग यंग मा भैया, बसाल ते यंग यंग मा। सतगुरु हाँ पे पक्का केवट हो, साहेब हाँ पे पक्का केवट, पार हो ही जिंदगानी रे, प्रभु नाम सुमर ले, सतनाम सुमर ले प्राणी रे, तोर दू दिन के जिंदगानी रे, हरि नाम सुमर ले। भजन का अंतिम पद है, ये मेरी अपनी स्वयं की रचना है। 36 भजनों का संग्रह 36 भजन के नाम से प्रकाशित है। मेरी लगभग 9 किताबें हैं भजनों की। जब तक सांसा तब तक आसा, चिटक सुमर ले नाम, चिटक सुमर ले नाम ग भैया, चिटक सुमर ले नाम, चिटक सुमर ले नाम ग भैया, चिटक सुमर ले नाम। नाम का बहुत बड़ा पावर है। कल मैंने बताया था उरला में कि नाम में क्या शक्ति है। कोमा का आदमी 46 दिन में जाग गया, MD के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ, पर कबीर साहब के नाम के प्रभाव से वो फिर से उनका कोमा टूट गया। ये कोई कहानी नहीं है, मेरी जिंदगी की घटना है। जब तक सांसा तब तक आसा, चिटक सुमर ले नाम, चिटक सुमर ले नाम ग भैया, चिटक सुमर ले नाम, चिटक सुमर ले नाम ग भैया, चिटक सुमर ले नाम। नाम नहीं लोगे तो क्या होगा? काल हनै ते पिछु परे है, झपट लिही ग परान, झपट लिही परान ग भैया, झपट लिही परान, झपट लिही परान ग भैया, झपट लिही परान। अंतराम हा हाथ जोड़ के हो, अंतराम हा हाथ जोड़ के, अंतराम हा हाथ जोड़ के, गावत है गुरुवाणी रे, प्रभु नाम सुमर ले।
सतनाम सुमर ले प्राणी रे तोर दू दिन के जिंदगानी रे हरि नाम सुमर ले सतनाम ताली बजाओ सतनाम सुमर ले प्राणी रे तोर दू दिन के जिंदगानी रे हरि नाम सुमर ले सतनाम सुमर ले प्राणी रे तोर दू दिन के जिंदगानी रे हरि नाम सुमर ले सतनाम सुमर ले प्राणी रे तोर दू दिन के जिंदगानी रे हरि नाम सुमर ले साही बंदगी साही ताली बजाएं जोरदार सज्जनों देवियों अभी हम सब माननीय अंतराम साहब जी के हृदय से अनुप्राणित भजन का लाभ ले रहे थे और उन्हीं की आवाज और उन्हीं के हृदय से निकला हुआ वह शब्द हम सब बहुत प्रभावित हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगा इस गीत को सुन करके अपने स्थानीय बोली छत्तीसगढ़ी में सुन करके और भी अच्छा लगा है। और अब मैं निवेदन करता हूँ परम श्रद्धेय संत श्री पूर्णेंद्र साहेब जी उरला भाई हाँ एक सूचना मिल रही है हमारे साहेब जी के द्वारा जी इसके अभी माध्यम से भजन सुने गुरु की वाणी इसमें 8 भजन संग्रह संग्रहित है और उसी में से एक भजन अभी हम सब ने सुना यदि आप सबको कहीं मौका लगे तो कुछ पुस्तक अच्छा फोन से कांटेक्ट करके और उन भजनों को का लाभ हम ले सकते हैं उसे प्राप्त भी कर सकते हैं तो आए हम सब परम श्रद्धेय संत श्री पूर्णेंद्र साहेब जी कबीर आश्रम उरला से पधारे हुए हैं निवेदन है आपसे कि आप अपना विचार 10 मिनट में हम सब के बीच रखने की कृपा करेंगे बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की संत समाज की भक्त समाज की आज की आनंद की सबके माता पिता गुरु गोविंद की साहे बंदगी साहे ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गद्दी आसीन पूज्यपाद गुरुदेव जी मुद मंगलमय संत समाज भक्त सज्जन माताएं बहनों प्यारे प्यारे बच्चों आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबके गुरु जो आपके हृदय पटल पर विराजमान हैं उसे मैं वंदन करता हूं साहेब बंदगी हमको समझना ये है कि गुरु कौन और कौन गुरु की पूजा होना चाहिए गुरु वो गुरु एक प्रकाश गुरु एक आग
जो पहले खुद जलता है फिर औरों को जलाता है। खुद जलता है कैसे? वह मन जो है, जिस मन को कंट्रोल करने के लिए अपने सारे इंद्रियों को जला लेता है, अर्थात गुरु अपने सारे विकारों को जला करके, सारे वेदनाओं को जला करके वह राख हो जाता है और उसमें वह गुरु अपने सारी वेदनाओं को जला करके वह अकेले बच जाता है, जिसे आप रूह कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, वो आपकी गुरु है। इस गुरु की पूजा के लिए, इस गुरु के वंदना के लिए आप सबको यहां से शिक्षा लेकर के जाना। जब ही तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कर ले गुरु संग प्रीत, अरे मन कर ले गुरु संग प्रीत, शरण आए सब ही उबरे, शरण आए सब ही उबरे, ऐसे उनकी रीत, अरे मन करने गुरु संग प्रीत। सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं, आप सबको बता रहे हैं कि गुरु आपके अंदर बैठे, आपके जीव है, उस जीव से उस मन को कहते हैं कि अरे मन तू अपने गुरु के साथ में प्रेम कर, अपने आत्मा के साथ प्रेम कर, अपने रूह के साथ प्रेम कर, और जो उनके साथ प्रेम करता है, उनके साथ होता है, उसी की कल्याण होता है। सदगुरु कबीर साहब जी के इस वाणी को सुनकर कि ये पता चलता है कि वह कल्याण के दृष्टिकोण से यदि हम जाना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो इस गुरु के लिए कहते हैं मन को कि तू अपने गुरु के साथ में प्रेम कर। क्यों कर ले? क्योंकि आप सदगुरु की प्राप्ति करना चाहते हो, राम की प्राप्ति करना चाहते हो, अल्लाह और खुदा की प्राप्ति करना चाहते हो। तो इस प्रकार से एक सत्संग हो रहा था जिसमें सदगुरु कबीर साहब जी को कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि मुझे अपने, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी के हिंदू और मुसलमान ये लोग तो बैठते थे उसके सत्संग में, तो उसमें से पूछा था एक मुसलमान ने कि हे गुरुदेव जी, हमको हमारे जो खुदा कैसे मिलेंगे। एक हिंदू ने एक पूछा था कि हे गुरुदेव, आप हमको बताइए कि मेरे भगवान कैसे मिले। उसी में से एक सत्संगी भाई थे जो नित्य संतों के सानिध्य प्राप्त करके वह कल्याण की ओर आगे बढ़ना चाहता था। उन्होंने पूछा कि हे सदगुरु, मुझको ये बताइए कि मेरे सदगुरु कैसे मिले। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, खोजी हुए तुरंत मिल जाई हो, पल भर की तलाश। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, खोजो अपने अंदर, वो आपको पल भर की तलाश में आपको मिल जाएगा, आपका रूह मिल जाएगा, आपके वो भगवान मिल जाएगा, आपके खुदा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वह खुदा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, वो खुदा सब घट में
बसता है। घट घट में वह साई बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि वह ईश्वर, वह परमात्मा, वह सतपुरुष, वह गुरु सब घट में बसता है। इससे पता चलता है कि सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं, हमें अपने ही अंदर बैठे उस सतपुरुष, उस गुरु को जागृत करने के लिए कह रहे हैं। हमारे बीच हमारे कुछ अतिथि विराजमान हैं, कुछ लोग आए और उन्हें सम्मान वहां साहब जी के पास ले जाएं। यह रूह, ये परमात्मा के लिए वो बताते हैं, वो गुरु के लिए बताते हैं। हम लोग सब भटक रहे हैं, हम अपने गुरु को कोई स्थान में ढूंढना चाह रहे हैं, हम अपने भगवान को किसी मंदिर और देवालय में प्राप्त करना चाह रहे हैं। आपको किसी मंदिर देवालय में आपको प्राप्त नहीं करना है। सदगुरु कबीर साहब जी के यदि आप अनुयायी हैं और सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों को आप मानते हैं, तो आप ये मानिए कि आपके गुरु आपके अंदर है, वो आपके चेतन जीवात्मा राम। और वो राम को सदगुरु कबीर कह रहे हैं, वो गुरु के लिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि वह सब घट में विराजमान है। इसलिए यहां से आप शिक्षा लेकर के जाएं, यहां से आप एक महामंत्र लेकर के जाएं कि जितने आपके दिखाई देने वाले जो मनुष्य है वो तो जीव मात्र के लिए है, किंतु कम से कम आप ये तो माने कि जितने यहां दिखाई देने वाले मनुष्य हैं उसके अंदर आपके गुरु बैठे। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप गुरु की पूजा करने आए हैं, उनसे कुछ सुनने के लिए आए हैं। वह गुरु आपके अंदर में है, आपके पड़ोसी के अंदर में है, आपके माता और पिता के अंदर में है, आपके सास बहू के अंदर में है, और आपके ननद और जेठान देवरान के अंदर में है। आप ये चीज जब जान जाएंगे तो सतगुरु कबीर साहब जी के मूल मंत्र को आप पहचान जाएंगे। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरु नाच। इस प्रेम करेंगे आपस में और आपस में प्रेम करके एक दूसरे के साथ में उल्लाहित होंगे, मतलब आप एक दूसरे से प्रेम करके आप भगवान को, राम को, खुदा को और गुरु को पहचान पाएंगे। मेरी यही शुभ भावना है और मैं इसी शुभ भावना के साथ में मेरा समय पूरा होता है, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरी इस विचार को आप लोग सुनना चाहेंगे और तो आप मेरे सदगुरु कबीरा आश्रम उरला आप पधारिएगा, वहाँ आपको मिलेंगे या तो फेसबुक या व्हाट्सएप में मिलते रहेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। गुरु का मतलब भारी, वजनदार, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, वही गुरु होता है। गुरु ही हमारे जीवन के तारक होते हैं। गुरु कई होते हैं लेकिन अंतिम गुरु वह गुरु होते हैं जो हमारे मन की पीड़ा, मन की जलन, मन के तपन, मन के राग द्वेष कला कल्पना सब खत्म कर दे। गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है और गुरु शिष्य गुरु का सेवा करते हैं, ये नियम है। लेकिन गुरु का शिष्य कितना सेवा कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये तो शिष्य ही जानेंगे। लेकिन इस दुनिया में ज्यादातर गुरु शिष्य का सेवा कर रहे हैं। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, तय सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। सदगुरु कबीर जैसे दयालु महात्मा, सदगुरु कबीर जैसे महान पुरुष कहते हैं, ऐ सुत, ऐ पुत्र, तू मेरी बात मान ले। तय सुत मान हमारी सेवा, मेरी जो सेवा है, मेरी जो राय है, मेरी जो कथन है, मेरी जो आज्ञा है, मेरी जो आदेश है, मेरी जो शिक्षा है, मेरी जो ज्ञान की कसौटी है, उसको तू मान ले, तो कह राज देव हूं देवा।
इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जिसकी बात मान ली थोड़ी सी बात तो पूरा अपना राजपाट देने के लिए तैयार हो जाए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं मैं तुमको राजपाट सब कुछ दे देता हूँ। अब हम यहाँ बैठे कितने लोग हैं जो गुरु से जुड़े हैं, और गुरु से जुड़ने के बाद में क्या हम गुरुमुखी हुए हैं तो क्या हमारा जीवन भी गुरु के अनुकूल होता जा रहा है? अपने आप से पूछेंगे तो कहेंगे हाँ मैं तो गुरु का शिष्य हूँ, लेकिन जब कसौटी में जाएंगे तो लगेगा नहीं मैं गुरु का शिष्य नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आज भी मैं गाली देता हूँ, आज भी मैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा अंडा मांस मछली का हमारे घर में सेवन हो रहा है, आज भी मैं काम में क्रोध में लोभ में राग में द्वेष में चिंता में वैमनस्य में जल रहा हूँ, आज भी मेरे अंदर एक जलन एक तपन है, मैं तो सफल नहीं हो पाया, फिर हम गुरु का शिष्य नहीं हो पाया। गुरु का शिष्य नहीं हो पाए। गुरु आखिर गुरु कौन है? क्या हम किसी से जुड़ जाए, कोई शिक्षित हो जाए, किसी से दीक्षित हो जाए उतना ही गुरु? वो तो है ही गुरु, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब सर्वोपरि गुरु उसको कहते हैं जिनके ज्ञान में कर्मकांड ना हो, जिनके ज्ञान में पाखंड ना हो, जिनके ज्ञान में दुख और पीड़ा खत्म हो जाए, जिनके ज्ञान से मन की जलन खत्म हो जाए, वास्तव में सच में गुरु वो है। आप सब कबीर पंथ से जुड़े हैं और यहाँ बैठे सब कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं। कितने लोगों के घर में जो एक भी परिवार के सदस्य बच्चे किसी के यहाँ, जो सौभाग्यशाली घर होगा जिसके यहाँ कोई भी बच्चे बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा अंडा मांस मछली नहीं खाते पीते होंगे, कोई कोई घर होगा इस घर में बैठे। आज की पीढ़ी कबीर पंथ को नहीं जानते, आज की पीढ़ी आने वाली गुरु परंपरा को नहीं जानते, इसी का तो परिणाम है यहाँ बैठे उसमें से सब इस्पारी डेट लोग बैठे हैं, इस्पारी डेट लोग बैठे हैं, इधर माताओं के दल इधर पुरुष का दल है, कोई यहाँ पर कोई 20 से 30 वर्ष के अंदर अंदर एक दो कोई है, बाकी कोई नहीं है। क्या आपने बच्चों को शिक्षा दे पाया? क्या आप अपने बच्चों को गुरु परंपरा की ओर ले जा रहे हैं? आज की पीढ़ी को जरूरत है सत्संग की, आप लोगों को जरूरत नहीं, आपका जिंदगी खत्म। आपके पास जितना ज्ञान है उसी को जी करके अपने जीवन को सफल आप बना सकते हैं। आप लोगों को जितना सत्संग की जरूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है आने वाले जनरेशन को, आने वाले पीढ़ी को जरूरत है। आप अपने बच्चे को क्यों प्रेरणा नहीं देते हैं? और हर माँ बाप की एक शिकायत होती है हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते। आपने सिखलाया कब है उसको? गुरु से जोड़ने का प्रयास कब किए हैं? आप आश्रम में कब ले गए, कब अनाथालय में ले गए, कब वृद्धाश्रम में ले गए जहां संत गुरुजन अपने जीवन का निर्माण कैसे करते हैं, खुद को कैसे तराशते हैं? जितना ही किसी चीज को तराशा जाता है उतना उस चीज की कीमत बढ़ती चली जाती है। सोने को तराशने पर सोने का कीमत बढ़ता है, हीरे को तराशने पर 2 लाख का हीरा 6 से 8 लाख पड़ जाता है। पानी को तराशने के बाद में पानी 20 रुपया लीटर में मिलता है, जिसको आप हजारों लाखों टन पानी ऐसे बहा देते हैं, पानी को तराश देते हैं पानी का कीमत बढ़ जाता है। जीवन को तराश देते हैं तो कौन बन जाते हैं? बुद्ध कबीर महावीर ईसा मोहम्मद राम कृष्ण कहलाते हैं। क्या हमने जीवन को तराशा है? बस गुरु का शिष्य बन गए, जीवन से कुछ खुरापात नहीं जा रहा है, जीवन से मन के राग और द्वेष नहीं जा रहे हैं, जीवन से बहुत बड़ी बात नहीं मन की कटुता नहीं जा रही है, वाणी बोल रहे हैं तो करकरे वाणी बोल रहे हैं, वाणी बोल रहे हैं तो तीखे वाणी बोल रहे हैं, और ऐसे तीखे और कड़वे शब्द बोलते चले जा रहे हैं कि अपने ही बच्चे से आप पराये होते चले जा रहे हैं। आपके ही बच्चे आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, या अपने ही माँ बाप से हम दूर होते चले जा रहे हैं। कौन सी शिक्षा, कौन सी गुरु परंपरा से जुड़े? आप कबीर साहब की पूजा करते हो या ना करते हो, किसी भगवान की पूजा करते हो या ना करते हो, आप लोग यहाँ से जाए तो एक शिक्षा लेकर के जाए। मैं कल भी इस चीज पर मैं प्रकाश डाला था कि कम से कम जो आपका मुख्य गुरु है उनकी पूजा किया करें, जो सर्वप्रथम गुरु है। आपके घर में आरती पूजा होती है नहीं होती है आप जानिए, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, उनके चरणों में मत्था टेकिए। आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, माता पिता होंगे, उनके आरती कर लिया करे, कभी त्योहारों में उनके गले में हार चढ़ा लिया करे, कभी त्योहारों में उनको प्रसन्नता के साथ उनको कुछ भेंट कर लिया करे। आपकी संपत्ति नहीं चाहिए बुढ़ापे में, यही तो गुरु की शिक्षा है, यही तो गुरु की देन है। आज भी अवराग और देश के चक्कर में पीस रहे हैं, आज भी सास और बहू में टकराहट चल रही है, आज भी बाप और बेटा में टकराहट चल रही है, मतलब हम गुरु से नहीं जुड़े हैं ना, इसका परिणाम तो यही है।
आज भी हम कहीं चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कुछ बोल पड़ते हैं, हमारे दांत रंगीले दिख रहे हैं। क्या गुरु के शिष्य होने का पहचान है रंगीले दांत? आपके बच्चे आपका चरण स्पर्श करे तो आपका दांत चमकते होना चाहिए हीरे की तरह। इधर पान भी खा रहे हैं, पान गलगला रहे हैं, थूक भी दे रहे हैं, इधर आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कौन सा आशीर्वाद देंगे आप? जीवन को कसिए आप और कर्म कांड से बचिए। सदगुरु कबीर का पारख सिद्धांत, कुछ लोगों को पारख सिद्धांत से एलर्जी है। पारख सिद्धांत भी एक अलग से चलाया नहीं गया है, ये सदगुरु कबीर का पारख सिद्धांत है। कुछ कबीर पंथियों को एलर्जी है पारख सिद्धांत से। और कल महंत आनंद राम साहब जी कह रहे थे कि पारख बीजक से एलर्जी है, एकदम बीजक से बहुत ज्यादा एलर्जी है। मैं कह दूं कि सदगुरु कबीर का अनुराग सागर उनका नहीं है तो उनको तीखा लग जाएगा। और सच में कबीर साहब का अनुराग सागर नहीं है। अनुराग सागर को इसलिए लाया गया, मैं आज कड़वी बात कह रहा हूँ, अनुराग सागर को इसलिए लाया गया, बीजक को छिपाने का इसलिए प्रयास किया गया, क्योंकि बीजक में कहीं पूजा और महंती व्यास गद्दी नहीं है। बीजक में कहीं पूजा और पाठ की बात नहीं चलती है, पैसा और लेन देन की बात नहीं चलती है। तो क्या किया कबीर पंथियों ने, उसको दबा दिया। कौन से लाया? अनुराग सागर लाया। मैं कड़वी वाणी बोल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन सच बात है कि सदगुरु कबीर का मुख्य रचना, और भी रचनाएं हैं लेकिन सदगुरु कबीर का मूल रचना मूल है मुख्य बीजक। जो बीजक का अध्ययन करेगा वो जानेगा कि सच में सदगुरु कबीर की शिक्षा क्या है। सदगुरु कबीर ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ जुड़ो, मेरे शिष्य बन जाओ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो मेरी बातों को मानेंगे, मेरी बात मतलब उनका ज्ञान की बात है, मेरी बात मतलब उनकी वाणी से निकली वो बातें नहीं, जो ज्ञान की बातें हैं, जिसमें आत्मा बोध की बात हो, जिसमें कल्याण की बातें हो, ऐसे बातों को मानेंगे तो उनको राज सिंहासन राजपाट सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं। क्यों देते हैं? बिना बात माने क्यों देते हैं? क्योंकि उनके प्रति मोह है, लगाव है। लेकिन संत गुरुजन वो नहीं देते हैं। संत गुरुजन उनको वही व्यास गद्दी देते हैं, उनको ही सब कुछ देते हैं जिसका व्यक्तित्व और कृतित्व अच्छा हो। इसीलिए आप लोग यहाँ से जाए तो संकल्प भाव से लेकर के जाए, आने वाले पीढ़ी को सत्संग में लाए, आने वाले पीढ़ी को सत्संग की परिभाषा बताए, आने वाले पीढ़ी को गुरु परंपरा की परिभाषा बताए, कबीर साहब का सिद्धांत बताए। कबीर साहब ने कर्मकांड और पाखंड में लोगों को ढकने का प्रयास नहीं किया बल्कि उजागर करते गए, और आप भी उजागर होते जाए तो निश्चित ही आप सबका जीवन सफल होगा। बस अब मेरा समय पूरा हुआ, मैं इतने ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भाइयों बहनों, अभी हम सब श्रद्धे संत श्री अनिल साहब जी के विचार श्रवण कर रहे थे, और चूंकि समय जितना नजदीक आते जाता है बहुत कम होता जाता है, और मेरी बात भी अभी समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत कम समय के लिए हमारे आदरणीय महंत श्री प्रकाशमणि साहब जी हैं, 5 मिनट समय के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि आप आए और अपना विचार हम सब के बीच रखेंगे। आइए सर, आपका भी आशीर्वचन के हम सब आकांक्षी हैं। बोलिए श्री सतगुरु कबीर साहब की आज की आनंद की साहेब बंदगी। बड़ी खुशी की बात है कि आज का पावन पर्व गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर विराजे हुए संत महात्मागण, भक्तगण, माताओं एवं प्यारे बच्चों, गुरु का ख्याल करना चाहिए और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। बिना गुरु के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। रामायण में तुलसीदास जी बताते हैं गुरु की महिमा, गुरु बिना भाव नहीं देखता रहे न कोई, जो बिरंग शंकर सम होई। तो इस प्रकार गुरु का महिमा है, गुरु के बताए हुए मार्ग को पकड़ना है। कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताए। गोविंद से बड़ा गुरु की महिमा है, क्योंकि गुरु तक पहुंचाने के लिए गोविंद तक पहुंचाने के लिए हमारे गुरुदेव ज्ञान देते हैं।
उस ज्ञान को अर्जित करके अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए। अभी हमारे महात्मा जी बता रहे थे जितना इंस्पायरमेंट सभी आए हैं तो बच्चों को संस्कार कहाँ मिलेगा। आज बच्चे टीवी तक फुर्सत नहीं है, टीवी और मोबाइल तक, ना जाने आगे पीढ़ी में कबीर पंथ का क्या हाल होगा। और हजारों महापुरुष के द्वारा वाणी वचनों को सुनते हैं लेकिन कल्याण नहीं हो रहा है। यहाँ सुने और वहां भग गए, सत्संग में आए एक भी बुराई छोड़ते नहीं है। जितने भी नशीली पदार्थ हैं सबका सेवन कर रहे हैं तो सत्संग से क्या मतलब होगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पानी माह पसान की रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहस्त्र घड़ा नित उठ उठ डाले, ज्यों सूखा की सूखा। हजारों महंतों के द्वारा, हजारों संतों के द्वारा हर समय सत्संग का आनंद लेते हैं लेकिन आपके खोपड़ी में बैठता क्यों नहीं है। जिस प्रकार लाखों बरस तक चकमक पत्थर जल में डूबा रहता है लेकिन ठोकते ही उसमें आग की चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार मनुष्य का खोपड़ी हो गया है। अपने दुर्गुण को हटाता नहीं, जब तक दुर्गुण को हटाएंगे नहीं तो सद्गुण कहाँ आएगा। जितने भी बुराई हैं उसको हटाइए और गुरु के वचन को मानिए। कभी पंथ में गुरु जी जो बताते हैं उसको मान जाइए, वहां अपना दिमाग मत लगाइए। अन्य जगह के जहां होता है उस जगह अपना दिमाग लगाइए, ब्राह्मणवाद में अपना दिमाग लगाइए और कभी पंथ में गुरुजन की बात को स्वीकार कर लीजिए सहर्ष, क्योंकि गुरुजन जो है बहुत तपस्वी होते हैं, उनके द्वारा बोला हुआ एक एक शब्द अमूल्य होता है। तो वहां अपना दिमाग ना लगाइए, सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि कबीर पंथ में भ्रमित नहीं है, भ्रम को हटा करके संत महापुरुष बनते हैं और वही शिक्षा देते हैं जो जाने हैं और जो सीखे हैं। तो इस प्रकार भ्रमित ना रहें। सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान भ्रम से हटाने के लिए है, भ्रम को पालने के लिए नहीं। हर जगह सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भ्रम को छोड़ो, भ्रमित रहेंगे तो आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। और गुरुजनों की आदर, गुरुजी सम्मान करें और कबीर पंथियों का परिचय दें। आज कबीर पंथियों में, पहले जमाना में कह देते थे कि हम कबीर पंथी हैं और कुछ पूछने की जरूरत नहीं था। आज कबीर पंथियों को भी पूछना पड़ता है कि आप शाकाहारी हो कि नहीं, बहुत दुख की विषय है। तो रोटी बेटी देने के समय बड़ा मुश्किल होता है। कबीर साहब के चित्र को देखते हैं हम तो कहते हैं कि कबीर पंथी है, लेकिन पता लगता है कि सब वो दिखावा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कबीर पंथी पर, जिस कबीर पंथी को सतगुरु की बताए हुए मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को सतगुरु के ज्ञान से ही हट जाना चाहिए, ताकि समाज में कबीर पंथ हल्का ना पड़े। दुर्जनों के कारण ही कबीर का ज्ञान हल्का पड़ता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हल्की संगत ना करो सब गरुआ पंजाय, पाहन पाथर तुमड़ी संग ही चले बहाय। संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर है आठों पहर उपाधि। समय ज्यादा नहीं लूंगा, और महात्मा जी लग हैं और कुछ सुनाते, लेकिन अभी समय कम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्री सतगुरु कबीर साहब की आज की आनंद की साहेब बंदगी। बहुत जोरदार ताली बजाए हमारे परम आदरणीय पूज्य महान साहेब जी के लिए। अब विचार तो ऐसा है कि बैठकर इन ज्ञानों का अर्जन किया जाए तो बहुत ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि हमारा यह एक कार्यक्रम है और यहाँ एक दर्शन ही महत्वपूर्ण है। तो आज आपके उन विचारों से और आपका स्वरूप का जो दर्शन हम सब कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और अब मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच भैया माइक पर नहीं विजय से सानिध्य जिसका हम पाना चाहते हैं, संत श्री विजय साहेब जी कबीर आश्रम इरई कला से पधारे हैं। आप निवेदन है आपसे कि आप भी
अपना विचार हम सब के बीच रखने की कृपा करेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आवाज आवाज देना भाई। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, मैं भटकता हूँ राहें दिखाना मुझे, मैं भटकता हूँ राहें दिखाना मुझे, दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ, मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ, इतना भटकाया है ये जमाना मुझे, जमाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। अपने चित्त को अपने मन को गुरु के प्रति समर्पित कर दें। जी जी। तन कहीं और है मन कहीं और है, तन कहीं और है मन कहीं और है, इस समुंदर में अपना बहाना मुझे, बहाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखेंगे। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। सदगुरु कहते हैं जो खोजता है ना वही पाता है, जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजी होता है ना वही पाता है। और किस ढंग से पाता है? गहरे पानी पैठ, गहराई में जाना पड़ता है, गोता लगाना होता है ठीक से। जो मोती पाने वाले होते हैं ना वो डरते नहीं है समुद्र से, गहराई में जाते हैं, गोता लगाते हैं, तब कहीं हाथ में मोती आता है। अगर डर गया ठिठक गया तो हाथ में मोती नहीं आ सकता। ऐसे हम लोग क्या खोजते हैं? सत्य खोजते हैं, सुख खोजते हैं, परम सुख, जो कभी घटे ना, जो कभी खोए ना, परम शांति चाहते हैं। लेकिन वो कहाँ से आएगा? गहरे पानी पैठ, थोड़ा गहराई में गोता लगाना होता है, डूबना होता है ज्ञान में। हम लोग ज्ञान को एकदम उथले स्तर से सुनते हैं, इस कान से सुने उधर से निकाल दें, या कोई कान से सुन के मुंह से निकाल देता है, वक्ता हो जाता है, इससे काम नहीं चलेगा। कान से सुने, दिल में जाने दे, दिल में, तब वो आचरण में आता है। श्रवण, जो हम सुनते हैं ना उसी का मनन करना होता है। जब गहराई से सुनते हैं ना, ध्यान दे के सुनते हैं, तो उसी का मनन होता है बाद में।
और जिस चीज का मनन होता है गहराई से चिंतन होता है वही आचरण में आता है। हम लोग आचरण में तो लाना चाहते हैं लेकिन मनन ही नहीं करते, चिंतन नहीं करते, सुनते हैं वो भी ठीक से नहीं सुनते, तो कहां से आया? तो गहरे पानी पैठ गहराई में जाना होता है और सुनेंगे तो एकदम फ्री मन से सुने, अपनी धारणाओं को बीच में लाए, अपनी मान्यताओं को बीच में ला करके सुनेंगे ना तो सुन भी नहीं पाते हैं, शुद्ध श्रोता होकर के सुने। जब धर्मदास साहब ने कबीर साहब को सुना था ना तो शुद्ध श्रोता होकर सुने थे, इसीलिए उनके जीवन भर की मान्यता धारणा कबीर साहब के वचनों में टूट गया लेकिन वो परवाह नहीं किए। उन्होंने कहा मुझे सत्य चाहिए बस, उस सत्य को पाने में चाहे मेरी धारणा टूटती हो मान्यता टूटती हो लेकिन कोई बात नहीं है, सत्य मुझे मिलना चाहिए। और सत्य की महिमा है जब सत्य हमारे पास आता है ना तो चिंगारी की तरह आता है, अंधकार उसमें रह ही नहीं सकता। कितने ही साल का अंधकार गुफा में हो जाकर के टॉर्च जलाएंगे ना तुरंत प्रकाश हो जाता है, ऐसा नहीं कि 1000 साल का अंधकार हो तो 1000 साल तक टॉर्च जलाएं तब प्रकाश होगा, ऐसे थोड़ी होता है। 1000 साल का अंधकार लेकिन टॉर्च जलाते ही प्रकाशवान हो जाता है। ऐसे ही अज्ञान कितना ही घना क्यों ना हो, अज्ञान कितना ही पुराना क्यों ना हो, जब ज्ञान की बातें आती है ना करंट की तरह चुभता है बातें, करंट की तरह, लेकिन बस उसको शुद्ध हृदय से सुनने की आवश्यकता होती है। तो जिन खोजा तिन पाईया गहरे पानी पैठ। और जब कबीर साहब के ज्ञान से प्रभावित होकर धर्मदास साहब ने अपनी सारी धारणाओं को तोड़ दिया, मान्यताओं को तोड़ दिया और अपनी सारी संपत्ति कबीर साहब के चरणों में डाल दिया, पूरा फकीर हो गए, त्यागी हो गए, तब कबीर साहब ने कहा धनी धर्मदास। जब धन था बाहर का धन तब तक नहीं कहा धनी धर्मदास, एक बार भी नहीं कहा, लेकिन जब फकीर हो गया सारे सन सारे धन को चरणों में डाल दिए तब कहा अब हुए धनी, त्याग के धनी हुए, ज्ञान के धनी हुए, सद्गुण के धनी हुए। हकीकत में धनी ऐसे ही हुआ जाता है। हम लोग धन का मतलब केवल रुपये पैसे सामान सुविधा इसी को धन समझते हैं, क्या ज्ञान धन नहीं होता, क्या सद्गुण धन नहीं होता, दया क्षमा संतोष धीरज विवेक विचार ये धन नहीं है, क्या सुंदर मन धन नहीं है, क्या अच्छी संगत धन नहीं है, बहुत सारा धन है लेकिन हम धन का मतलब समझते हैं केवल रुपया पैसा और सामान, इतना ही धन नहीं है। तो जो भीतरी धन है जो कभी खोता ना हो उस धन की खोज में धर्मदास साहब लगे और उसको पाए सद्गुरु के चरणों में बैठ करके, तो कबीर साहब ने कहा अब ये धनी हुए, धनी धर्मदास हुए। तो हम लोगों को भी ऐसे ही धन को पाना है, भीतर का धनी बनना है, और वो ऐसा धन है कि चोर चुरा नहीं सकता, भाई बटा नहीं सकता, ऐसा धन होता है। और एक बार पा लिए सो पा ही लिए, और वही धन हमको तृप्ति देता है, संतुष्टि देता है। बाहर आप कितने बड़े पद पे प्रतिष्ठित हो जाएं, कितने ही बड़े धनपति हो जाएं, लेकिन लोग बिलबिलाते रहते हैं, देखे होंगे बड़े बड़े धनियों को बिलबिलाते रहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का धन आ गया भले वो फकीर है लेकिन बादशाह की तरह रहते हैं, अपनी मस्तानगी में जीते रहते हैं। तो ऐसे धन को सबको पाने की आवश्यकता है। जिन खोजा तिन पाईया गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। मैं तो बपुरी हूँ, डरती रहती हूँ, डरता रहता हूँ, और इसीलिए वजह से मैं गहराई में गोता लगा नहीं पाता। शांति के लिए गहरे होना पड़ता है। हमारे यहाँ जो सबसे गहरा महासागर है ना उसको क्या बोलते हैं, प्रशांत। जो गहरा हो जाता है वही प्रशांत हो जाता है। तो असल में हम अगर गहराई में जाएंगे ना, डुबकी लगाएंगे ना ज्ञान में, तो हकीकत में शांति हमारे पास आएगा ही, बस गहरे होने की आवश्यकता है। अभी कई संतों से हम लोग सुन रहे थे कि आजकल ज्ञान का महत्व नहीं समझ रहे हैं। कबीरपंथी घर के बच्चों को ज्ञान से कोई मतलब नहीं, दो दोहा नहीं आता उनको, दो साखी नहीं आता, चौपाई नहीं आता, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो हम लोगों को ना एक तो आचरण से दिखाना होगा, आचरण से, कि ज्ञान से ये फायदा होता है। हम लोग भी ज्ञान सुने तो जाते हैं, 10 साल 20 साल हो जाता है लेकिन रहते हैं जहाँ के तहाँ, तो उसका हमारे बच्चों पे प्रभाव नहीं पड़ता। अरे हमारे पापा भी जाते हैं, दादा भी जाते हैं, लेकिन है तो जहाँ के तहाँ है, झूठ वही बोलते हैं, गलती वही करते हैं, चंचलता वही है, हर चीज वही, तो उनको आवश्यकता महसूस नहीं होती ज्ञान की। हकीकत में आपके ज्ञान से उनको दिखना चाहिए। आप जाते हैं 10 साल से सत्संग में ना, तो रूपांतरित जो आप हुए हैं वो उनको दिखाई देना चाहिए, तो उनको आशा होगी कि हाँ ज्ञान का ये मतलब होता है, ये फायदा होता है। तो हमको आचरण से दिखाना होगा, और आचरण तभी आएगा जब ज्ञान को सही ढंग से सुनेंगे, सिद्धांत को सही रूप से जानेंगे। अधकचरा सिद्धांत दिमाग में रख करके पूर्णता हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो कबीर साहब को जो खरा सिद्धांत है ना, निर्णय वाणी है,
उसको ठीक से जानने की आवश्यकता है और अपनी जो धारणा है, मान्यता है, उसको लेके बैठने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मान्यताओं को भी जांचने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है। कबीर साहब के ज्ञान पारख ज्ञान, पारख मतलब जो परखना जानता हो, जो तौलता हो, मैं अभी तक जो धारणा बनाया हुआ हूँ, मान्यता बनाया हुआ, वो सही है कि नहीं, वो कहाँ तक सही है, अपने को भी जांचना है, दूसरे को भी जांचना है। जब जांचते रहेंगे ना तो सत्य का मोती हमारे हाथ में आएगा। इसलिए पारख ज्ञान को, अपने सही सिद्धांत को ठीक से समझने की आवश्यकता है, तभी हम सबको सच्चा लाभ मिलेगा। साहब ने कहा, जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पैट, और मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सज्जनों, देवियों, अभी हम सब श्रद्धे संत श्री विजय साहेब की कबीर आश्रम इरई कला की सानिध्यता प्राप्त कर रहे थे। बड़ा ही खुशी का समय है कि आज के इस गुरु पूर्णिम के अवसर पर कबीर आश्रम परिसर में राजनांदगांव नगर पालिक निगम की महापौर और प्रथम नागरिक श्रीमती हेमा देशमुख जी हमारे बीच विराजमान हैं। मैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन पूरे समाज की ओर से करता हूं। इसी तरह श्रीमती माया शर्मा महिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव की अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। फिर भी इस कड़ी को मैं परंपरा के रूप में देखना चाहता हूं और हमारे श्री केडी साहू जी कबीर आश्रम परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन आदरणीय महापौर जी की करेंगे पुष्प गुच्छ भेंट करके। इसी कड़ी में श्रीमती नंदनी साहू जी ग्राम सुंदरा से आपसे अनुरोध है कि आप आए और महापौर जी का स्वागत अभिनंदन पुष्प भेंट कर करें। श्रीमती दुखन साहू से निवेदन है कि आप आए और महापौर जी का स्वागत अभिनंदन करें और माया साथ ही माया शर्मा जी का भी स्वागत अभिनंदन करें। अच्छा, श्रीमती रेवती बाई से निवेदन है कि आप आए और आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय महापौर जी का स्वागत अभिनंदन करें। एक नाम है ते समीन के नाम लग लो ले और आइए भाई, इस स्वागत अभिनंदन की कड़ी को हम यहीं विराम देते हैं और पूरे समाज की ओर से जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अब मैं निवेदन चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में दो शब्द आशीर्वाद के रूप में आप हम सबको संबोधित करेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, गुरु पूर्णिमा के अवसर है, यहाँ गुरु विराजमान है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताओ। यहाँ पे उपस्थित हमर साहेब मल्ला गुरु मल्ला प्रणाम करत हूँ और यहाँ हमर जो महिला बहनी भाई मन है सब लोग ये कहना चाहते हो, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर है, बहुत ही शुभ दिन। कबीर साहब बोलते अगर ईश्वर के पास जाना है तो पहले आप गुरु ले प्रणाम करो तभी ऊपर जा सकते हो, बाकी फिर मार्ग नहीं तो नहीं मिले। मोर साथ आए हुए साथी है माया शर्मा जी, यहाँ बैठे महेश भाई, वैष्णव जी, के डी जी, साहु जी और हमारे यहाँ उपस्थित सब वो जम्मो हमारे दीदी भाई मन। कबीर साहब के थे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। और ये शाश्वत सत्य है, हम जो जीवन में रहथन जब खुशी आते तो उत्सव मनाथन सब करथन, किन ईश्वर के प्रार्थना भूल जाथन, लेकिन दुख आही तो सब काम छोड़ के सबसे पहले
भगवान न मनाए चल दे। जब दुख में याद कर सक में काबर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीर की दोहा के अगर हम अर्थ निकालत चले जाए तो वाकई जीवन में कर्म प्रधान सत्य के रास्ता पे चलने सिखाया है कबीर साहब। और कबीर साहब के रास्ता में जो चल गए वाकई हम सब वो रास्ता में चलकर मोक्ष की दिशा में काम करना शुरू कर दे। लेकिन जीवन तो मोह माया से भरे है और अतका भरे है कि हम सब वो रास्ता में जा के भी नहीं जा सकें। लेकिन जीवन पथ में कुछ समय निकाल के अगर गुरु के संदेश सुन लें तो वाकई जीवन सफल हो जाए। माटी कहे कुम्हार से तो क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगा तो ये तन को तो जाना ही है मिट्टी में, माध्यम कोई भी हो। अतका सुंदर वाणी कबीर साहब के ये सांसारिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज साहेब मन के मुख से मुखारविंद से आप मन ल ऐसी ही वाणी सुनी मिलत है और माहौल बहुत थोड़ा सा अनुभव मिलीस आप मन के बीच आए के मौका मिलीस। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर है तो गुरु ल प्रणाम करत हुए वाणी विराम करत हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं परम आदरणीय महापौर श्रीमती हेमा देशमुख जी। आप अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय निकालकर हमारे बीच आए, हम आपका बड़ा ही कृतज्ञता जाहिर करते हैं। और जब भी समय यदि मिले आपको तो निश्चित ही इस आश्रम में आपका आगमन होता रहे, ऐसी हमारी भावना है। आपको पा करके हम बड़े ही गदगद हुए हैं और हमें बहुत ही खुशी और प्रसन्नता हुई है। आपके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए इस कार्यक्रम को अब गति प्रदान करते हैं। बोलिए सतगुरु देव की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय। एक बार विदाई में जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे महापौर जी के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं इस संत समाज की ओर से और आपका आगमन हमारे लिए एक बड़ा प्रशस्त मार्ग प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आए अब इस कार्यक्रम को एक अंतिम प्रारूप की ओर हम बढ़ रहे हैं, अंतिम कड़ी देने जा रहे हैं और साहेब जी को साहेब जी का आशीर्वाद हम सब प्राप्त करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करता हूं, बहुत देर हो गया, नंदिनी बहन से निवेदन करता हूं कि एक भजन एक गीत हमारे पास रखेंगी, तत्पश्चात हम साहेब जी को करने दो। किसको? अच्छा आज 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 हमारा दिन है, आप लोगों का नहीं, आज का दिन तो हमारा ही है, हम दावे के साथ कहते हैं भाई गुरु पूर्णिमा हमारा है। साहेबंदगी साहेब, बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव नजारे ही नजारे हैं। जिधर को नजर जाती है नजारे ही नजारे हैं। भक्ति के पुष्प बरसाओ मेरे गुरुदेव
बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। चरण रज शीश लगाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मुकद्दर आजमाना है, यहाँ पर आजमा कर देखो। मुकद्दर आजमाना है, यहाँ पर आजमा कर कोई देखो। ये पल में भी बदल देंगे, किस्मत तुम्हारे आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। साहे बंदगी साहे। वंदाओ सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय, जासु कृपा दिन करन करी भ्रमतम देत नसाय। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। बंधनी संत समाज, उपस्थित निर्शीर विवेकी भक्त सज्जनों, श्रद्धामती देवियों, प्यारे बच्चों, आज बड़ी ही सौभाग्य के विषय है और वरदान भी मिला है। किसको मिला है? राजनांदगांव क्षेत्र में संत श्री योगेंद्र साहिब का तपस्थली जगह है, भूमि है, उसका दिया हुआ यह आश्रम है। उन्होंने अपना जीवन को इस आश्रम में रह करके यहां पर पत्थर रखा है, जिस पत्थर को कहा जाता है कबीर स्तंभ। और इस आश्रम को, इस भूमि को निर्माण में उन्होंने अपने शरीर को भी ध्यान नहीं दिया और अल्प आयु में सदा के लिए चले गए। लेकिन अपने पीछे इस जगह को कबीर आश्रम के रूप में विख्यात करके गए। यह उनके तपस्थली जगह है। आप सब ध्यान रखिए, उनके जाने के बाद भी यह आश्रम में अंधकार नहीं है, सदैव प्रकाश से प्रकाशित है। यहां पर जो संत रहते हैं पूरा प्रकाश कर रही है, कहीं जाती नहीं है, आश्रम में ही रहती है। लेकिन पता नहीं धन का स्रोत कहां से आता है और इतने लोगों के लिए जल और भोजन और आवास का व्यवस्था भी करती है। निश्चित ही योगेंद्र साहेब का आशीर्वचन, आशीर्वाद उन लोगों पर उतर आया है। आप सब इस आश्रम को, जितने भी लोग आए हैं, सब जान लीजिए हमारा गुरु आश्रम है, ये हमारा गुरु आश्रम है।
आप सब इस आश्रम में आकर के तन से मन से वचन से धन से सेवा करते हुए अपने भविष्य का निर्माण करते रहें, अपने भविष्य का निर्माण। अकेला ही नहीं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों पीढ़ी के लोग को लेकर के आइए। भविष्य कहते हैं नन्हे मुन्ने बाल बच्चों को, भविष्य पीढ़ी भविष्य निधि है। वर्तमान पीढ़ी है बेटा और बहू है। भूत पीढ़ी है जाने वाले दादी और दादा हैं। सब लोग आकर के यहाँ अपने जीवन को अपने भाग्य को सराहना करें। हमारे लिए यह आश्रम एक तीर्थ आश्रम बन गया, कल्याण के भूमिका बन गई। ऐसे जगह में आप सब आए हैं आज वर्तमान में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। कितने संतों का दर्शन और वाणी भी हम सबको मिल रहा है। किसके बल पर? उन यहाँ पर रहने वाले संतों के माध्यम से, साध्वियों के माध्यम से। तो आइए, सदगुरु कबीर ने क्या कहा है और हम क्या कर रहे हैं। हम कबीर के कहलाते हैं, वास्तव हम कबीर के अनुयायी हैं कि नहीं है, हम अपने को तराशें। सदगुरु कबीर के बीजक के माध्यम से, उनके कबीर के साखी शब्द रमणी के माध्यम से हम अध्ययन करें और तराशें अपने को। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीरा तेरो घर कंदला में यह जग रहत भुलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। गुरु की कही हुए कहे हुए रास्ता पर कोई नहीं चल रहा है। सदगुरु कबीर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। अमहल और महल से तात्पर्य है, अमहल कहते हैं विरक्त विरक्त भेषधारियों को, जो गुरु और संत के रूप में हमारे सामने में आते हैं और उनके हम चरण स्पर्श करते हैं। क्या वे गुरुजन? सदगुरु कबीर कह रहे हैं, अमहल हे भेषधारियों हो गुरु महंतों संतों, क्या मेरे बातों को तुम मान रहे हो कि नहीं हो? तुम अपने को तराशो। गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। और महल कहते हैं गृहस्थों को। गृहस्थ लोग भी जैसे अभी हम संतों के माध्यम से सुने हैं कि कबीर के कहलाते हैं, कबीरपंथी कहलाते हैं, लेकिन वे भी दीवाना बन करके हम अनेकों के घर में जाते हैं, देखते हैं वहां पर एक पूजा स्थल बनाया गया है। पूजा स्थल बनाया गया है, उस पूजा स्थल में देवी दुर्गा भी है, काली भवानी भी है, शिव और पार्वती भी है। अपने गुरु में विश्वास नहीं है, अपने गुरु के कहे हुए बातों पर विश्वास नहीं है। तुम्हारा घर कहाँ है? एक साध्वी ने अभी दुर्ग भिलाई में कही, साहेब ये हमारे आश्रम में हमारे घर में एक बार तो आइए, तुम्हारा घर कहाँ है?
उन्होंने कहा मेरा घर तो दुर्गम है, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारा घर, तुम साध्वी हो और घर दुर्ग बताते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा हृदय में है, तुम्हारा घर को तुम लेकर के चल रही हो, तुम्हारा घर सुंदरा में नहीं है, पारी में नहीं है, राजनांदगांव में नहीं है, तुम्हारा घर असली घर कहाँ है, तुम्हारा हृदय में है। हृदय कबीरा तेरो घर कंदला में आजग रहत भुलाना, तुम्हारा घर कहाँ है कंदला में, कंदला कहते हैं कंदरा को, कंदरा कहते हैं गुफा को, गुफा कहाँ है, तुम्हारा हृदय गुफा है, हृदय गुफा है, वहीं तुम्हारा घर है असली घर, और हम नकली घर के पीछे लगे हैं और नकली परिवार के पीछे लगे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा 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 कहते कहते हमारे दादा बाबा परपाजा सब पूरा पुराने पीढ़ी सब चले गए, और जिसको कहते थे वे है मेरा है वो सब यहीं पड़ा है। आज वर्तमान में हमारे माता पिता कहते हैं ये सब मेरा है, वे भी लबरा है, वे भी छोड़ के जाएगा। आज बेटा बहू नाती नतनी कहते हैं मेरा है, वे भी छोड़ के जाएगा। तुम्हारा घर तुम्हारा क्या है, असली तुम्हारा है तुम्हारी आत्मा, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये पांच तत्वों का है। मानुष जन्म चुके हो अपराधी, यातन केर बहुत है साजी, तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ लागे किन प्रतिपाला, कामिन कहे मोर पिवाही, बागिन रूप गिरासा चाही, सूत्र कलत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुखबाई, काग गीत तो मरण विचारे, सीकर स्वांदो पंथ निहारे, अगिन कहे मैं इतन जारों, पानी कहे मैं जरत उबारों, धरती कहे मोहि मिल जाई, अरे पवन कहे संग ले उड़ाई, तेही घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हो गले तुम्हारा। इतने तन के साजिया जन्मों भर दुख पाओ, चेतत नाही मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोहरा है क्या तेरा है कौन तेरा है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सदगुरु कबीर के विचारों पर बीजक के शाखी सप्त रमैनी पर अध्ययन करें, चिंतन करें, मेरा कौन है कहाँ है क्या चीज है। जो जान जाएगा वही असली संत है, वही भक्त है, वही महंत है, वही गुरु है। ये कौन कह रहे हैं, सदगुरु कबीर कह रहे हैं, सदगुरु कबीर। कबीरा तेरो घर कंदरा में आजग रहत, कबीरा कबीर कह रहे हैं, कबीरा कबीरा कौन है। संसार के हम भटके हुए जीव है, वो कबीरा है, और कबीर कौन है जो हमारे बोधदाता बीजक की रचना करने वाले जो हमारे उपास्य है सदगुरु कबीर, वो कबीर है। और कबीरा ये संसार के भटके हुए जीव है, प्राणी है। इस जिस साखी में जिस शब्द को मैं बोल रहा हूं इसमें पांच बार कबीर है, अंतिम में कबीर है, अपने नाम का छाप दिया है, और चार बार संसार के जीवों को बताया है कबीरा तेरो घर कंदला में। हे कबीरा, हे संसार के जीवो, तुम्हारा घर कहाँ है, कंदला में, कंदला कहते हैं गुफा, हृदय गुफा में, उसमें चित्त को जोड़ो, कुछ समय ध्यान करो, अपने में ध्यान करो। प्राणी और पदार्थों में हम ध्यान देते हैं, वो तुम्हारा नहीं है, कुछ भी नहीं है तेरा, दो गज जमी है तेरी, मिल जाएगी भी तुझको यह भी नहीं जो जरूरी है। दो गज जमीन मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है, ये इतना बड़ा रोड से लेकर के वहां तक जहां तक घेरा है संत श्री योगेंद्र साहेब ने खरीदा है, 7 एकड़ जमीन, 7-8 एकड़ जमीन, लेकिन उसको कितना जमीन मिला, बस मात्र 2 गज मिला है। यहाँ पर 2 गज जमीन में वहां पर समाधि लगा दिया गया,
कौन समाज के लोग, वो उनका है वह भी उनका नहीं, वो तो हंस उड़ गया, काया को कहां छोड़े, बाहर रखते हैं तो गंधाएगा, और चींटी और कीड़े मकोड़ों की सियार कुत्ता बिल्ली खाएगा। इसलिए उस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए 2 गज जमीन 5 हाथ गड्ढा खोद करके डाल दिया गया उस शरीर में, 2 गज जमीन ही मिल पाया। और किसी का दुर्घटना में मौत हो जाती तो आग में जल करके राख हो जाता है, भभूत बन जाता है। 2 गज कौन का है, एक मुट्ठी राख भी नहीं मिलता है, वायु में उड़ जाता है। क्या मेरा है, क्या तेरा है, कौन मेरा है, का पत्नी मेरी है, पति मेरा है, पुत्र मेरा है, घर मेरा है, धन मेरा है, कौन मेरा है, कुछ भी नहीं है तेरा। 2 गज जमी है तेरी, मिल जाएगी भी तुझको यह भी नहीं जरूरी, 2 गज जमीन भी मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए संतो जागो अब भई भोर, बहुतक सोए जन्म सिराए, यहाँ नहीं कोई तोर, यहाँ नहीं कोई तोर। आजकल में मौत होना पक्का है, पक्का है, बिल्कुल पक्का है। इसे मौत का याद करो और गुरु के ध्यान करके प्राणी और पदार्थ जो मिला है उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, दादी दादा के सेवा करो, माता पिता के सेवा करो, पति और पत्नी में सुंदर त्याग भावना से रह करके जीवन को सार्थक बनाओ। संतान आ गया है, संतान को अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा प्रेरणा मिले, ऐसे माता पिता को कर्म करना चाहिए, काम करना चाहिए, गलत संस्कार ना हो। और अपना जीवन को पूर्ण निर्मल करके इस संसार से विदा लो। एक भक्त थे, वो शिक्षक भी थे, गुरूर के रहने वाले बालोद जिला के, उन्होंने अपने शिक्षित परिवार, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, सबको बैठा करके, और खुद शिक्षक थे, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है तुम्हारा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसे नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ऐसे इस पद को गाते गाते उनका प्राण पखेरु उड़ गया, और उच्च श्रेणी के शिक्षक थे। तो हमारा क्या है, कौन है? इसलिए गुरु के, सदगुरु कबीर के, और पहुंचे हुए वर्तमान के गुरु के कहा हुए हम बातों को माने, चिंतन करें और विचार करें, मेरा कौन है, मेरा क्या है। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं, कबीरा तेरो घर कंदरा में यह जग रहत बुलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई, यह अमहल महल दीवाना, सब दीवाना बन करके भटक रहे हैं। नर हरि लाग दो विकार बिनु इंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरस सकल संसारा। हे नर हरि में लगो, हरि कहाँ है, कहीं विष्णु हरि नहीं है, ऊपर कोई परमात्मा हरि नहीं है, हरि कहाँ है, अपनी आत्मा तुम्हारी आत्मा है। सद्गुरु कबीर कहते नर हरि लाग, हे नर हे प्राणियों, हरि में लगो, आत्मा में लगो, आत्म चिंतन करो। नर हरि लाग दौ विकार बिनु अंदर, तुम्हारे अंदर में दवाग्नि लगी है, उसका कोई बाहर विकार नहीं है, वो तो आग लगी है, तुम्हारे द्वारा ही लगी है, मैं जानो तो ही से व्यापय जलस सकल संसारा, और उसी आग से सारे संसार के प्राणी भी जल रहा है, जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिले ना बुझावन हारा, आज तक तुम्हारे बुझाने वाले कोई गुरु नहीं मिला, और जिस गुरु के पीछे भटक रहे हो वो गुरु भी तड़प रहे हैं। कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझे, मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, समय हो चुका है। एक भक्त थे, उनका एक ही संतान था, संतान खत्म हो गया, अचानक कोरोना प्रेड में खत्म हो गया। बहुत सुंदर बालक था, 3 साल का बालक था, उस पुत्र के मोह में
पिता हरदम पागल बन करके खाना पीना छोड़ दिया, तड़पता रहता था, हा बेटा हा बेटा हा बेटा है। लोगों ने उसे सलाह दिया कि इनको इनके गुरु आश्रम में ले जाओ, इनके गुरु आश्रम में ले जाओ, गुरु ने गुरु है उनको शिक्षा देगा, उपदेश देगा, ज्ञान देगा, उनके मोह को दूर करेगा, गुरु आश्रम में ले जाओ। गुरु आश्रम को उसको ले जाया गया, गया पूछा गया गुरु महाराज कहाँ है भाई इनका। उन्होंने लोगों ने बताया कि गुरु महाराज एक महीना के लिए, एक माह के लिए वो अज्ञातवास है घर में, लेकिन किसी से मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? उसका एक जवान बेटा था, शादी भर हुई थी, बहू आई थी, लेकिन पति और पत्नी में मिलन भी नहीं हुआ था, और अचानक वह बेटा खत्म हो गया। तो गुरु है वो अपना पुत्र के मोह में, एकांत में, अकेले में पड़ा रहता है, किसी से बोलता नहीं। तो गुरु कौन है? गुरु खुद ही मोह में पागल बन करके छटपटा रहा है, तो शिष्य के मोह को कैसे छुड़ाएगा? इसलिए सतगुरु कबीर कहते, हे नर हरि में लगो, आत्मा में लगो, आत्मा ही तुम्हारा है, कुछ भी नहीं ये तेरा, आत्मा ही तेरा है। नर हरि लाग दौ विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापय जरा सकल संसारा। बुझाने वाले सतगुरु कबीर के जो असली सिद्धांत है, आत्मज्ञान है, वह तुम्हारे अंदर में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम बीजक तो रखते हैं, बीजक सतगुरु कबीर का ये बीजक है, रखे हैं, जेब में रखे हैं, लेकिन इसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, किसी गुरुजनों के पास जा करके उसका भेद नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए सतगुरु कबीर करते हैं, है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट भेद बुझे, पानी में पावक भरे, अंधी आंख न सूझे, है कोई इस संसार में, यहाँ इस सभा में गुरु ज्ञानी, गुरु ज्ञाते कहते आत्मज्ञानी कोई है? यदि है तो जगत से पीठ दे दे और आत्म तत्व को पूछे, मैं कौन हूँ? क्यों जगत उलट भेद बुझे, पानी में पावक भरे, अंधी आंख न सूझे, पानी में पावक आग धधक रही है, लेकिन अंधों के आंख से सूझ नहीं रहा है। एक आदमी अभी दौड़ते दौड़ते आया यहाँ पर, आकर के सत्संग हो रहा है, यहाँ पर बताया, साहेब जी क्या हुआ? अरे भंडार घर में भोजन बन रहा है पब्लिक के लिए, वहां पर एक भंडारी है, उसका पैर जल गया है। किसमें जला? पानी में जल गया। अरे पानी में नहीं जलता किसी का पैर, तो किसमें जला है? पानी में आग के अंश समाया है, पानी खौल रहा था, उसमें चावल पड़ना था, चावल पड़ने बाकी रहा, और अंधन जो है बटलोही गिर गया, गिरने से पैर जल गया। किसमें जला है? उस पानी में आग के अंश समाया है, लेकिन वह आग धधक रही थी, आग है धधक रही थी, उस आग में वह पानी गया खोलते हुए पानी, तो धधकते हुए पानी आग को पानी बुझा दिया। कौन से पानी बुझाया है? वह शीतल पानी, उस पानी में शीतलता है। यदि आग होता पानी में तो आग को जलाता नहीं, पैर को जलाया, चमड़ी को। पानी में पावक भरे, अंधी आंख न सूझे, पानी में ऐसे ही सबके आत्मा शीतल आत्मा है, शीतल आत्मा है, लेकिन गुरु न मिलने के कारण से, गुरु न मिलने के कारण से हम ये सबको अपना मानते हैं, ये मेरा है? और मोह में, ममता में, राग में, द्वेष में हम भटक रहे हैं। कौन मेरा है? अपने आत्मा को भूल करके हम प्राणी और पदार्थों को मेरा कहते हैं,
इसलिए हम जल रहे हैं। शीतल आत्मा तप्त रहा है, पीड़ित है, तड़प रहा है। एक दिन मेरा शरीर छूट जाएगा, पड़ा रहेगा और प्राण वायु निकल जाएगा और आत्मा अपने में आप शांत हो जाएगा। उस आत्मा को जाने और आत्मा में चित्त को जोड़ें। मैं शुद्ध आत्मा हूं। सभी लोग 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, बिल्कुल स्थिर आसन से बैठ करके बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए 2 मिनट मात्र। भीड़ आदमी का है और आदमी अकेला है, अकेले पने का अनुभव करो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं नारी नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, यह शरीर जड़कर जल करके राख हो गया है, यह शरीर मिट्टी में मिल गई है, मैं आत्मा शुद्ध आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी आत्मा हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, आंखें खोल लीजिए। अभी तक आप केवल शुद्ध आत्मा थे, अकेला थे, अब शरीर दिखने लगा, संत भक्त नर नारी दिखने लगा, भीड़ दिखाई दे रहा, लेकिन जब आंख बंद करके आत्म अनुभूति कर रहे थे कुछ भी नहीं था, अकेले हंस आत्मा, उसी में हरि जन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, बीजक के शब्द में है, हरि जन गुरु जन हंस दशा ले करके डोलते हैं, संसार में विचरण करते हैं और निर्मल नाम चुन चुन करके बोलते हैं, स्वयं अपना जीवन को तराशते हैं, क्या मैं साधु हूं, क्या मैं महंत हूं, क्या मैं भक्त हूं, अपने को हम तराशे, उसका लक्षण क्या है, मैं इस योग्य हूं कि नहीं हूं, मैं संत हूं, संत का भेष है, लोग मुझे गुरु कहते हैं, क्या मैं गुरु पद में आसीन हो चुका हूं, मैं अपने में चिंतन करूं, यदि आसीन नहीं हूं तो गुरु कबीर के विचारों के अनुसार मैं अपने को तराशूं, अपने को संवारूं, मैं पीछे ना हटूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा मनाने का तात्पर्य है सच्चे सदगुरु कबीर के विचारों के अनुसार चलें और मनन चिंतन करें। ये शरीर भी नाशवान है, प्राणी और पदार्थ मिले हैं, आज है कल नहीं रहेगा, मौत होना पक्का है, इसलिए अपने आत्मा पर दया करो। आत्मा पर, ये आत्मा संसार में फिर से भटकने न पड़े, न पावे और अपने आप में मुक्त हो जाए, उसके लिए निर्मोहता को प्राप्त कर लो। निर्मोहता, कहीं कबीर ते उबरे जाहिन मोह समाए, जारो जक्का नेहरा मन बौरा हो, जामे शोक संताप समुझ मन बौरा हो। हे मन बौरा, इस संसार के नेह मोह तुम्हें जलाने वाला है, इसलिए इसका मोह को जला डालो। तुम्हारे फंसने के लिए जाल है, जाल
इसे जाल को जला डालो, आज अवसर मिला है। जारो जग का नेहरा मन बौरा हो, जामे शोक संताप समिझ मन बौरा हो। हे मन बौरा अच्छी तरह से समझ ले, विचार कर ले, तुम्हारा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, इसलिए अपने आप का अभ्यास करो। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुरु कबीर कह रहे हैं। जारो जग का नेहरा कहीं कबीर ते उबरे जाहिन मोह समाए। जिस वही उबर सकता है जिसके मन में धन का लोभ ना हो और प्राणी का मोह ना हो, वही संसार से उबर सकता है। हम लोग यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दृढ़ संकल्प लेकर के, आज संकल्प दिवस है, संकल्प लेकर के यहाँ से चलें और अपने अपने जीवन को तराशें और सद्गुरु कबीर के विचारों के अनुसार हम अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें। और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग सच्चे भक्त बने, सच्चे संत बने, सच्चे गुरु बने और अपने आप को क्या हम पूजा के योग्य हैं कि नहीं है अपने को तराशें। यदि नहीं है तो होने की कोशिश करें। इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संतों को मेरा हृदय से शुभ कामना मंगल कामना है। संत का भेष हम सब का है, हंस का भेष है, हम बगुला बन करके अपने जीवन को बर्बाद न करें, हंस ही हंस हो करके रहें। मैं अपने माने को विराम देता हूँ। बोलिए साहेब बंदगी साहेब। सज्जनों देवियों, अभी हम सब परम सज्जे संत श्री गुरु जतन साहेब जी कबीर आश्रम सकरी के अमृत वाणी से आप्लावित हो रहे थे। और आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, बहुत अस्कट आ गए होगा। नहीं अस्कटा हो, एक कनौ बैठो थोड़ी देर के लिए, कष्ट के लिए और मैं क्षमा चाहता हूँ। वैसे आप लोग बहुत तपस्वी हैं जो करीब 12 बजे के पहले से बैठे हुए हैं और अब कार्यक्रम अंतिम दिशा की ओर बढ़ रही है। हम सभी संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे, लेकिन भक्त समाज की ओर से एक सज्जन आए हुए हैं जो मचान पार से हैं और वयोवृद्ध हैं, और उनके विचार और उनका भी दर्शन सुनना हम सबको मैं आवश्यक महसूस कर रहा हूँ। इसलिए बहुत कम समय है और इसलिए आप, हाँ, गुरु पूजा का समय है, आपका आशीर्वाद ही चाहिए हमको, तो आप कुछ बोले यहाँ करके। आवाज बाहर रहेगा। हेलो हेलो वंदे बोधमयम अनित्यम गुरु साक्षात परम ब्रह्म द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणं एकं नित्यं विमलमाचलं सर्वतिसाक्षीभूतनं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुतं नमः।
सदगुरु तम नमः। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर यहाँ पर विराजमान सभी संत महात्माओं और कबीर आश्रम सुंदरा में जो पंथाचार्य हैं, आचार्यगण हैं, देवियाँ हैं, सबके श्री चरणों में नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, साज बिना हर राग अधूरा लगता है, साज बिना हर राग अधूरा लगता है, सिंदूर बिना सुहाग अधूरा लगता है। साज बिना हर राग अधूरा लगता है, सिंदूर बिना सुहाग अधूरा लगता है, आंखों में आंसू बिना सदगुरु से अनुराग अधूरा लगता है, आंखों में आंसू बिना सदगुरु से अनुराग अधूरा लगता है। जिनको सदगुरु ना मिला, जिनको सदगुरु ना मिला, व्याकुल हो चौदी से थाय। हमारी स्थिति कैसा है, मानव तन में मानव तनधारी जीव आत्मा की स्थिति क्या है? बहुत बड़े मेला मराई है, बच्चा माँ बाप की उंगली छुड़ा करके इस जगत के मेला लगा है ना, माँ बाप की उंगली छुड़ा के देखने बैठ जाता है। और माँ बाप बच्चे को ढूंढते हैं, बच्चा माँ बाप को ढूंढता है, वही स्थिति है। ये नश्वर प्राणी पदार्थ संसार में जब हम अलग हो गए, घर से अलग हो गए, तो हमें घर कौन बताएगा? और जब हम जिस तरह से व्याकुल बच्चा व्याकुल होकर के रोता है माँ बाप से अलग होकर, मेले में भीड़ में खो जाने के बाद बच्चा जब व्याकुल होता है ना अपने माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए, वही स्थिति हम सब जीवात्मा की है। इसलिए बोलना पड़ा कि साज बिना राग अधूरा लगता है, सिंदूर बिना सुहाग अधूरा लगता है, और आंखों में आंसू बिना सतगुरु से अनुराग अधूरा। जिस तरह से बच्चा व्याकुल हो करके जब ढूंढता है, वही है। गा सकूं नगमा, गा सकूं नगमा आपका वो साज कहाँ से लाऊं, गा सकूं नगमा आपका वो साज कहाँ से लाऊं, भा सके जो आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद तारों की तारीफ करना तो आसान है, चांद तारों की तारीफ करना तो आसान है, पर हे सतगुरु वो आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, पर वो आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। भैया सतगुरु के प्रति आप लोगों के अंदर में दो बात में छोड़ के जा रहा हूँ, समय मेरे पास नहीं, आप लोगों के पास भी नहीं है, समय का अभाव है। दो जिज्ञासा आप लोगों में मैं डाल के जा रहा हूँ, उस जिज्ञासा को शांत अगर चाहेंगे तो मेरे को सेवा करने का मौका दें। सत्य मात्र सत्य तक के सीमित नहीं रहना है, सिर्फ सत्य 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 क्या सत्य, सत्य तक सीमित नहीं रहना है, सत्य के ऊपर भी जाना है। और सत्य के ऊपर क्या है जिज्ञासा आप लोग जानना है उसको, सत्य के ऊपर क्या है? गुरु 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 तक सीमित नहीं रहना है, गुरु से भी ऊपर है, गुरु से ऊपर कौन है इसको जानना है, सत्य के ऊपर कौन है उसको जानना है। सत्य के ऊपर भी है उसके लिए भी सत्य, गुरु के ऊपर भी कोई है उसके लिए भी सत्य। तो गुरु से कैसे जुड़े, गुरु से कैसे जुड़े हम? केवल बांधा था चरणों के पखार से, केवल बांधा था चरणों के पखार से, सबरी बांधी थी वेदों की आचार से, कुब्जा बांधी थी फूलों की हार से, मीरा बांधी थी तबूरे की तार से, और द्रौपदी बांधी थी धागों की तार से, द्रौपदी बांधी थी धागों की तार से, और मीरा बांधी थी तंबूरे की तार। पर हे सतगुरु, पर हे सतगुरु मैं बांधता हूँ आप, हे सतगुरु मैं बांधता हूँ आपको आंसुओं की धार से, आंसुओं की धार से। तेरे याद में, तेरे याद में रोने का जो किस्सा है, तेरे याद में रोने का जो किस्सा है,
वो इस उम्र का एक बेहतरीन हिस्सा है। तेरे याद में रोने का जो किस्सा है वो इस उम्र का एक बेहतरीन हिस्सा है। धन चोरी हो गया, बेटा बेटी में अलग हो गए, पद प्रदेश अलग, उसके लिए हम रोते हैं, धन संपत्ति के लिए रोते हैं, सदगुरु के लिए कभी रोए, सदगुरु के लिए कभी रोए, अपनी अपनी दशा पर कभी रोए नहीं रोते। तो हे सदगुरु, मैं बांधता हूँ आपको आंसुओं की धार से, तेरे याद में रोने का जो किस्सा है वो इस उम्र का एक बेहतरीन किस्सा है। याद है आबाद है, याद है आबाद है, याद बिन बर्बाद है, याद बिन सब बर्बाद। तो भैया जरा ज्यादा समय नहीं लेते हुए, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब के प्रति, सदगुरु कबीर साहब को याद करते हुए, सदगुरु कबीर साहब की याद में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ, सदगुरु कबीर साहब की याद में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। हे सदगुरु, आपकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित है, हे सदगुरु आपकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित है। जग परम सत्य का संदेश आप जग को दिए, परम सत्य का संदेश आप जग को दिए हैं, कर सका कोई नहीं वैसा आप किए, कर सका कोई नहीं वैसा आप किए हैं। आप मुलाजे में न करना बातें सीखी सदगुरु कभी से, आप मुलाजे में न करना बातें सीखी, कह दिए सच सच भले वो लगे तीखी। व्यक्तित्व भी आपका था ऐसा निराला, सत्य की रहनी आपकी थी अनोखी, सत्य की रहनी आपकी थी अनोखी, इसलिए कह सके आप बातें चौकी। व्यक्तित्व भी ऐसा था आपका निराला, जिस पर रीझ कर सभी ने दृष्टि डाला, केवल निर्गुणी ही नहीं वैष्णव वैरागी भी आपके सद्ज्ञान के रह दया भागी। सांप्रदायिक धुन जितने छटेंगे उतने ही निज निकट होंगे हम आपके, और जितने दिन बीते उतने ही प्यारे लगेंगे आप हम सबके। कस्तूरी कुंडल बसे आपने बताया, कस्तूरी कुंडल बसे आपने बताया, अपने में ही मस्त होना आपने सिखाया, अपने में ही मस्त होना आपने सिखाया, और जिंदगी की दौड़ आपने मेट डाली। हे सदगुरु, जिंदगी की दौड़ आपने मेट डाली, किस तरह से दौड़त दौड़त दौड़िया, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ लग मन की दौड़, और दौड़ थका मन फिर भया वस्तु ठौर का ठा। तो हे सदगुरु, जिंदगी की दौड़ आपने मेट डाली, और कर दिए जीवन में शांति निराली। तो जन्म जन्मांतर की प्यास हुई तर्पित, जन्म जन्मांतर जन्म जन्मांतर की प्यास हुई तर्पित, हे सदगुरु आपकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित, हे सदगुरु आपकी याद में श्रद्धा सुमन समर्पित। बोलिए सदगुरु देव की जय। के साथ में अपनी वाणी को बहुत 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 शुभकामनाएं आपके लिए कि आप इस उम्र में हम सबके बीच आकर के आज की पवित्र पावन मेला में अपना उद्गार हम सबको प्रकाशित किए, और हम बहुत आपके आभारी हैं। और अब गुरु पूजा होगी, उसके पहले आभार के लिए मैं निवेदन करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजक, इस आश्रम के प्रमुख परम श्रद्धे संत श्री जितेंद्र साहेब जी मंच पर विराजमान हैं। निवेदन है कि आप बहुत कम समय में अपनी बात रख करके आभार व्यक्त करेंगे। रख दो
बोले सतगुरु देवा की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, समस्त ग्रामवासियों की जय। परम पूज्य साहेब जी, वंदनीय संत समाज, भक्त सज्जनों, माताएं बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ गुरु पूर्णिमा के उत्सव में हम सब एकत्र हुए हैं और गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं और संतों की वाणियों को भी हम श्रवण कर रहे हैं। ये अंतिम बेला है कार्यक्रम का, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, बस 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा। इसके पूर्व एक भजन सुनते हैं। गुरु से कर मेल गुमारा क्या, सोचा तबारम बारा, गुरु से कर मेल गुमारा क्या, सोचत बारम बारा, जब दर्श जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए, जब पार उतर जय भव पारा तब छूटे यह संसारा, जब पार उतर जय भव पारा तब छूटे यह संसारा, गुरु से कर मेल गवारा क्या, सोचत बारम बारा, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तब दर्श कहाँ ते पाई, जब दर्पण लागी काई तब दर्श कहाँ ते पाई, गुरु से कर मेल गवारा क्या, सोचत बारम बारा, जब गढ़ पर बजी बधाई तब देख तमाशा जाई, जब गढ़ पर बजी बधाई तब देख तमाशा जाई, जब गढ़ बिच होत सकेला तब हंसा चलत अकेला, जब गढ़ बिच होत सकेला तब हंसा चलत अकेला, गुरु से कर मेल गवारा क्या, सोचत बारम बारा, कहाँ है कबीर मने करनी वाके अंतर बीच कतरनी, कहाँ है कबीर मने करनी वाके अंतर बीच कतरनी, कतरनी की गांठी न छूटे ताते पकरी पकरी यम लूटे,
कतरनी की गांठी न छूटे ताते पकरी पकरी यम लूटे गुरु से कर मेले गमारा क्या सोचत बारम्बारा गुरु से कर मेले गमारा क्या सोचत बारम्बारा गुरु से कर मेले गमारा क्या सोचत बारम्बारा। आप सब कबीर आश्रम गुरु पूर्णिमा की शोभा बढ़ाए हमारे संत गुरु परम श्रद्धे संत श्री साहेब जी बहुत दूर से आए हैं, यहाँ से रायपुर के उस पार भी कबीर आश्रम संकरी से मेरे मोबाइल के माध्यम से बातें हुई और सहज रूप से यह कार्यक्रम को स्वीकार लिए। आपके प्रति हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे आसपास के कबीर आश्रमों से पधारे हुए हैं, कबीर आश्रम उरला से संत श्री पूर्णेंद्र साहब जी पधारे हुए हैं, हमारे बहुत निकट है, बहुत दुख सुख में साथ देते हैं, हमेशा उनसे बातचीत होती रहती है, कभी जमात में भी घूमने को मौका मिलता रहता है, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। वैसे ही हमारे कबीर आश्रम इराई कला से पधारे हुए हैं संत श्री ओंकार साहेब जी, आप बहुत अति साधुवाद आपने बहुत दूर से आए और अपने वाणी वचनों से हमारे भक्त सज्जनों को अवगत कराया। हमारे बीच और अनेक ऐसे संत हैं जो बहुत दूर से आए हैं, उसको भी साधुवाद। कबीर आश्रम संकरी से पधारे हुए संत अखिलेंद्र साहेब जी, आपने बड़ी क्रांति ढंग से प्रवचन किए और गुरु पूर्णिमा के एक महत्व को बताते हुए हमें अप्लावित किए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। फिर अनेक महात्माओं को हम नाम से तो जानता नहीं हूँ, लेकिन है बहुत अच्छे ढंग से वक्तव्य दिए और भक्तों को अवगत कराया। हमारे सेक्टर भिलाई से पधारे हुए हैं महान श्री अनंत राम जी, आप सदैव कबीर विचारों के प्रचार प्रचारक हैं, आप सदैव आप लगे रहते हैं, जब से मैं देखता हूं तो आप सदैव हमारे कार्यक्रम में पहुंचते रहते हैं और इस प्रकार से भजन और प्रवचन से हमें अवगत कराते रहते हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही हमारे मुभट्टा से आए हुए महान जी बड़े पारखी है तो महंत हैं, चौंका करते हैं, लेकिन उसके विचार पारख सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, हमेशा विचार ऐसे क्रांतिकारी देते रहते हैं, सच कबीर की जो विचारों को प्रचार करते हैं वह धन्य है, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे कबीर आश्रम मूरा से पधारे हुए हैं सुसाध्वी सुप्रिया साहेब जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे आश्रम में पधारे और सत्संग की शोभा बढ़ाए। ऐसे ही हमारे बीच कबीर आसपास सुंदरा पारी कला दूर दराज से आए भक्त भी हैं। हमारे बीच पारी कला से केडी साहू जो हमेशा
हमारे बीच रहते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं। वैसे उसी गांव के पारी कला से हमारे श्री कपूर दास जी भी बड़े ही विनम्र भक्त हैं, जो हमें बराबर साथ देते रहते हैं, हर कार्यक्रम में पहुंचते रहते हैं। कभी कभी वह आश्रम भी टहलने आते हैं तो हमारे सुख दुख में साथ देते हैं। बहुत 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 साधुवाद। ऐसे ही हमारे बीच पारी कला से संतोष, श्री संतोष दास जी भी बड़े ही अच्छे ढंग से हमारे आश्रम की देखभाल करते हैं, हमेशा सुख दुख में पूछते रहते हैं। वैसे सुंदरा में रहने वाले हमारे बीच श्री चैन साहू जी भी बड़े ही अच्छे ढंग से पेश आते हैं और इस प्रकार से आश्रम के कार्य में भी सहभागी बनते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सुंदरा से हमें बहुत ऐसे लोग हैं जिसका तो नाम नहीं जानता हूं, लेकिन बराबर सहयोग देते रहते हैं। हमारे बीच श्री नीलेश साहू जी बड़े ही कर्मठ महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के परम भगत हैं, जो हमेशा हमारे कार्यक्रम में साथ देते हैं। कबीर जयंती में भी बहुत अच्छे ढंग से सहयोग दिए थे और अपने साथियों को भी सहयोग करने के लिए अवगत कराए, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद। हमारे सुंदरा में एक 28 साल का युवा जिसका नाम श्री धन्नू साहू है, वह हमारे आश्रम में मेंबर की तरह काम करते हैं। सदा कुछ काम पड़ता है, बुलाते हैं तो तुरंत आ जाते हैं। उसका घर शायद निकट में है, बहुत करीब है, आश्रम से लगा हुआ है। उसको मैं साधुवाद देता हूँ, हर कार्य में सहयोग करते हैं। यहाँ पारी कला के जो निवास है ना, यहाँ उस बच्चे लोग बहुत सुबह से शाम रात तक सहयोग करते हैं। अभी देखना पारस करेंगे तो बच्चे लोग ही अच्छे ढंग से करते हैं और सीख भी गए हैं, उसको सिखाया गया है। हमेशा यहाँ आश्रम में रहते हैं और सहयोग करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे बीच अनेक ऐसे भगत हैं जो सदैव हमारे साथ सहयोगी बनते हैं। संत लोग तो निमंत्रण देने से तो आते ही हैं, लेकिन भक्त लोग का आना बहुत जरूरी है। बिना भक्त के ये सत्संग का शोभा अशोभनीय है। यदि हम इस सत्संग को करना चाहे तो 10 बजे का टाइम दिया था, लेकिन भक्त लोग नहीं आए हैं तो क्या करते, बड़ी दिक्कत है। 10 बजे का समय दिया है और आप लोग 12 बजे पहुंच रहे हैं तो क्या होगा। आपका आना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। भक्तों के बिना सत्संग अधूरा है। महात्मा क्या करेगा अकेले बोलते हुए, है ना। इसलिए आप लोगों की जरूरी है बिल्कुल टाइम फिक्स पर पहुंचने की कोशिश करें। तो जल्दी सो जाता, आज 3:30 बज रहा है, ये 3:30 नहीं बजता, 2-2.5 बजे तक खत्म हो जाता, लेकिन आप लोगों के कारण ये देरी हुई है। बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए कहीं भी सत्संग होता है तो टाइम से पहुंचने की कोशिश करें, ताकि हम सबको दिक्कत ना हो। लेकिन मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप लोगों के प्रति, जो कि सत्संग में शोभा बढ़ाए हैं। आपके बिना ये सत्संग अधूरा है, इस बात को महसूस करें और समय से आने की कोशिश करें तो हम लोगों को बहुत सुख सुविधा मिलेगा। ठीक, तो मैं अधिक न कहते हुए यही है कि आप लोग सदैव सत्संग में आते रहिए, ऐसे भीड़ बढ़ाते रहिए, एक नहीं 10-10 लोगों को लेकर आइए और सत्संग से लाभ लीजिए। बिना सत्संग के हम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। सत्संग से जीवन का रंग बदलता है, जीवन में सुख मिलता है। सत्संग के अभाव में
दुख बढ़ता है, इसलिए बराबर सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग का महत्व हम लोग संतों के सुविचारों से हम सुन रहे हैं। संगत कीजे साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाद। तो आप लोग सत्संग में आकर शोभा बढ़ाए, मैं संत और भक्तों को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ऐसा ही आकर इस सत्संग का शोभा बढ़ाते रहे और हम लोगों को साथ देते रहे। और इस आश्रम कबीर आश्रम सुंदरा के जितने भी संत संत साधु है, सहयोगी है, उसको आशीर्वाद मिलता रहे। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी में राम देता हूँ। बोले सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहेब बंदगी साहेब साहेब साहेब। आत्मानुरागी भाइयों बहनों, अभी हम सब आश्रम की प्रभारी श्रद्धेय संत श्री जितेंद्र साहब जी के विचार से अप्लावित हो रहे थे। आज गुरु पूर्णिम के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए श्री होरीदास जी पारी से हैं, उनके द्वारा 200 रुपये का सहयोग मिला है। महापौर हेमा देशमुख जी आई थी अभी हमारे बीच, उनके माध्यम से भी हमको 1500 रुपये का सहयोग राशि प्राप्त हुआ। जोरदार ताली बजा दें। और भागवत साहू जी जिला साहू समाज के अध्यक्ष हैं, आपके ओर से भी 500 रुपये का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है ऐसा पता चला है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब गुरु पूजा संतों की पूजा का समय हो चला है और हम सब मैं चाहता हूं कि संत गुरुजनों की पूजा आरती करें, तत्पश्चात कार्यक्रम समापन होगा और उसके पश्चात भोजन होगा। भोजन प्राप्त करके ही आप सब लोग प्रस्थान करेंगे, तो आए हम सब पूजा के लिए तैयारी करें। और केडी भाई आइएगा आप लोग, और कौन कौन लोग बुलाना है, ठीक कौन कौन लोग एक सूचना है, जो अभी जो कार्यक्रम हो रहा है ना, जो विचार सुन रहे हैं, वह विचार अनिल साहब यूट्यूब में वो पूरी तरह से आप लोगों को सत्संग सुनने को मिलेगा। और ये यूट्यूब अभी बना रहे हैं ना वीडियो, वो जो है अनिल साहब यूट्यूब में आप सबको मिल जाएगा, है ना। सर्च कर लीजिए अनिल साहब YouTube, जैसे YouTube में लिखेंगे अनिल साहब ना, पूरा फट से आ जाएगा, है ना। इस चीज को ध्यान दीजिए, इसी कार्यक्रम को हम पुनः YouTube के माध्यम से सुन सकते हैं, ठीक साहेब बंदगी साहेब। आइए अब हम सब पूजा।